पे मैं पोजिशन करता का एडजस्ट स्क्रीन ला हाँ यस ओके सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स अच्छा वाला गुड मॉर्निंग चाहिए कमान फुल ऑफ एनर्जी आज का दिन आपका बहुत अच्छा जाने वाला है कल कैसा था आपका दिन अच्छा ही था, अच्छा ही था। बहुत हेक्टिक था यू विल गेट यूज टू इट आई टोल्ड यू नो आई एंटायर लाइफ इज अ स्कैम योर पेरेंट्स योर पेरेंट्स टेल यू बस यार तो दस टेंथ स्टैंडर्ड पास कर दे उसके बाद कुछ नहीं फिर तुमको बोलेंगे नहीं यार बस ट्वेल्थ पास कर दे उसके बाद बस लाइफ सेट है फिर आता है फाउंडेशन फिर आप भगवान को प्रेर करते भगवान बस फाउंडेशन पास करा दे फिर कुछ नहीं मांगूंगा एंड देन कम्स इन योर इंटरमीडिएट एंड देन योर इंट्रोड्यूस टू माय माई गॉड दिस इज द काइंड ऑफ शेड्यूल दैट वी हैव टू डू सिट हियर फॉर हाउ मेनी आवर्स इलेवन आवर्स वॉट यू गाइज आर डूइंग इज रिमेंडस इट इज नॉट दैट एवरीबडी कैन डू इट यू नो बिलीव मी इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट

सेवन टू टेन समटाइम्स एंड देन टेन ओ क्लॉक वी यूज टू गो फॉर ऑफिस वहीं से ऑफ़िस के लिए निकल गए आर्टिकलशिप के लिए ऑफ़िस करने के बाद शाम को छः बजे के बाद फिर से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाती थी सिक्स टू नाइन सो दिस इज़ वॉट द शेड्यूल वॉज बट वी गॉट वन ईयर टू प्रिपेयर फॉर इंटरमीडिएट सो दिस वॉज द शेड्यूल बट अगेन आर्टिकलशिप की वजह से काफ़ी हेक्टिक हो ही जाता था बहुत बार क्लासेज भी मिस हो जाती थी हमारी बिकॉज एक बार ऑफिस चले गए कोई गारंटी नहीं थी अब प्रिंसिपल विल लीव अज बैक ऑन ओ रिटर्न फाइलिंग के टाइम एंड ऑल सो बहुत बार ऐसा होता था ना बेटा कि वी हैड टू मिस आर इवनिंग क्लासेज बट ऑफकोर्स वी गॉट वन ईयर अक्रॉस यू हैव लिटिल लेसर टाइम नाइन मंथ से अभी वो और भी थोड़ा कम हो गया है एक सेकेंड आई एम नॉट ऑडिबल मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है लाइव स्ट्रीमिंग कैन यू जस्ट कंफर्म चेक इफ आई एम ऑडिबल आई एम ऑडिबल आई थिंक ओनली फ्यू स्टूडेंट्स आर से

मैम एक्स्ट्रा क्लासेस के टाइम के लिए टाइम किधर है फिर हम फैकल्टीज आपसे अपॉइंटमेंट लेंगे कि फिर एक दिन मैं बोलूँगी नहीं आज ना शाम को मैं ले रही हूँ फिर आप बोलोगे नहीं नहीं हर्षद सर ले रहे हैं नहीं नहीं मैं लेने वाली हूँ आज तो इस टाइप का फिर अभी नहीं डरना मत इट विल टेक टाइम सो डोंट वरी अबाउट इट ओके यस एंड नाउ वॉट यू हैव टू डू इज प्लीज़ सी टू दैट एवरीबडी हु इज़ कम ह्योर इज कम ह्योर अपना घर छोड़ के यहाँ पे आए हुए हैं हेल्प ईच अदर सपोर्ट ईच अदर वी आर हेयर फॉर ईच अदर इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम आउट स्टेशन स्टूडेंट्स पुना स्टूडेंट्स आपको कुछ भी प्रॉब्लम और दिक्कत होती है क्लास के बाद कम एंड आस कस यू नीड एनी थिंग यू नीड नंबर्स ऑफ डॉक्टर्स अराउंड ह्योर क्लोज बायू नीड एनी थिंग एनी काइंड ऑफ हेल्प दैट यू वॉन्ट प्लीज फील फ्री एंड कमेंड Uh, yeah, I wanted to tell you all this yesterday, but yesterday all of you were not there at the same time. So up installments. Mein rahe <laughs> so at least today everybody is here at the same time and good timing. I generally do not prefer to uh, delay and start my class late. I like to start my class on time. But sometimes a little bit of delay here and there can happen. Now the same thing i also want to tell the um, sometimes audible, sometimes not audible voice break month. सो आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल आवर लाइफ स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स की टेक्निकल एरेसी इट्स सच अ ग्रेट थिंग ना टेक्नोलॉजी की वजह से आज हम यहाँ पर मैं लेक्चर ले रही हूँ सामने बच्चे बैठे हुए हैं वर्चुअली भी सामने बच्चे बैठे हुए हैं अक्रॉस इंडिया स्टूडेंट्स आर वॉचिंग आर समाइम बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी क्लास में डीले भी हो सकता है कभी कभी इंटरनेट नहीं चलेगा कभी कभी प्रॉब्लम आ सकती है जैसे कल आई थिंक हर्षद सर की क्लास में बीच में दस मिनट हुआ था सो दीज स्मॉल थिंग्स आर गोइंग टू हैपन फर्स्ट ऑफ ऑल छोटी चीज़ों की वजह से कुछ बिगड़ गया अरे यार uh, लेट हो उसकी वजह से मूड खराब नहीं करना है यू डोंट हैव टू स्पॉइल योर एंटायर डे फॉर दैट दीज आर स्मॉल थिंग्स एंड दे गोट कीप ऑन हैपनिंग जरूरी नहीं है कि जैसे हमने प्लान किया है वैसा ही होगा तो कल मेरा भी लेक्चर आठ बजे का थोड़ा लेट हुआ कि नहीं मैं भी यहाँ पे आठ बजे से आके खड़ी थी कि नहीं बट देन डू यू बिकम अपसेट एंड से ओ माई गॉड वॉट इज दिस द क्लास मैन लाइ दट नो यू डोंट हैव टू बिकॉज दीज आर स्मॉल थिंग्स एंड दे आर ऑलवेज गोइंग टू हैपन सो यू हैव टू हैव अ वेरी पॉजिटिव अप्रोच टू ट whatever you do and be very calm about it don't get disturbed very fast do you understand that yes आपको बहुत सारी adjustments करनी पड़ेगी खाना आप अलग खा रहे हो जो घर का खाना है वो यहाँ नहीं मिलने वाला है आपको you may not like the food here आपने जो सब्जी का नाम सुना भी नहीं होगा आप शायद वो सब्जी खा रहे हो घर पर तो ममा आपको पूछ के खाना बनाती है तो यहाँ ऐसा नहीं होने वाला है यू ऑल हैव टू डू अ लॉर्ड ऑफ एडजस्टमेंट्स सेम गोज़ विद द लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन इज रियली रियली वेरी डिफ़िकल्ट स्क्रीन के सामने लेक्चर देखना इज़ वेरी डिफिकल्ट बहुत स्ट्रेन आता है बहुत कॉन्सेंट्रेशन करना पड़ता है सो एनी वेज बोथ आर हैविंग इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस वो लोग घर पे है उनको घर पे रेडीमेड खाना मिल रहा है सब कुछ रेडी होके उनके लिए रेडी है बट इट्स ऑल राइट सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ऑल गोइंग टू ट्राई एंड मेक फ्रेंड्स विथ each other help each other you have any difficulty any problem please feel free to contact us all of us all the teachers are here you can contact any one of us here after the class koi problem nahi yef. please okay is that all right जो से था मैं उसी से कंटिन्यू करूंगी एंडल गो अड टूडे विदर थिंग्स अबाउट टैक्स आज थोड़ा सा राइटिंग पार्ट भी करेंगे बुक्स रेडी होके कल प्रिंट होके आ चुकी थी आफ्टर द क्लास आई वेंट टू दुक्स वेयर इन दफिस उसके बाद आप um, कब मिलेंगे मोस्टली आज मिल जाएंगे आपको तो मे बी मैं हम अनाउंसमेंट कर देंगे कुछ दिनों में अभी ग्रुप्स बन जाएंगे हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप बन जाएगा सो इन केस यू नो जैसे कभी मुझे आते वक्त कुछ देरी हो जाती है सो आई कैन यू नो कम्युनिकेट सो आई बी टेन मिनट्स लेट और समथिंग लाइक सो एटलीस्ट वील हैव अ ग्रुप फॉर कम्युनिकेशन सेम विल द लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स ना येस पी डी जी डी स्टूडेंट्स प्लीज अंडरस्टैंड इन केस यू आर ऑप्टिंग फॉर दीज न्यू लेक्चर्स न्यू लेक्चर्स मे ट्वेंटी थ्री एंड नवम्बर ट्वेंटी थ्री इन केस आपके यहाँ इंटरनेट कनेक्शन बहुत अच्छा होगा तो प्लीज आप जी डी ले लेना तुरंत लेक्चर उसी दिन अपलोड होता है पी डी को आने के लिए पंद्रह से बीस दिन लगेंगे बट इतनी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है एक ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव लेक्चर्स आएंगे बाय द टाइम यू वॉच डैट आपको दूसरे टैक्स के लेक्चर्स आ जाएंगे अदर सब्जेक्ट्स डो नॉट हैव अमेंडमेंट्स टैक्स विल चेंज एवरी ईयर सो प्लीज़ नोट दैट एंड वन मोर थिंग आईल टेल यू इज हियर इन माई बुक्स आई हैव ऑल दीज थिंग्स गिवन हियर आज मैं आपको पूरा सिलेबस का मुंह दिखाई भी करा दूंगी पेपर पैटर्न मैंने दिया हुआ है कि कितने मार्क्स का कैसे कितने क्वेश्चन कंपल्सरी होते हैं सो ऑल दैट यू नो वाई डू आई कॉल दिस एज अ राम बार उपाय रामबाण बुक इज बिकॉज इट कंटेन्स एवरीथिंग राइट फ्रॉम द पेपर पैटर्न दैट यू हैव टू राइट द पेपर विध ब्लैक इंक एंड नॉट विथ एनी अदर इंक सो एवरीथिंग ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस आर गिवन टूर टू हीर इन द बुक पैटर्न भी दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन आपको कैसे है एग्जाम्स के लिए uh, वेटेज है मार्क्स का वेटेज है कौन से चैप्टर का कितना वेटेज दिया जाएगा मैम बता दो अभी अरे यार तुमको चैप्टर के नाम ही नहीं पता तो वेटेज क्या पता चलेगा पहले चैप्टर्स के नाम तो सुन लो और समझ लो देन यू विल अंडरस्टैंड द वेटेज इट्स वेरी मच ह्योर ठीक है सो आई विल डिस्कस दैट इन समाइम टैक्सेशन की बुक्स लाइव स्ट्रीमिंग की बहुत जल्द डिस्पैच होंगी आज ही डिस्पैच uh, चालू हो जाएगा सो डू नॉट वरी अबाउट इट और गूगल ड्राइव की भी बुक्स डिस्पैच विल स्टार्ट इमीडिएटली टुडे ओली आई हेव स्पोकन टू द स्टाफ येस टडे ओली बेटा ऑल राइट सो हियर इज अ पेपर पैटर्न this is the fun that we have in the class. this is AIR. i have not kept a record of how many airs because i've been teaching for last 20 years. so i've had many rankers, many top scorers. Uh, highest in tax has been 95. so, uh, you know, Apka by the way, what is your age? 18? okay, okay. so you all are not uh, some of the major, uh, minor, sub-khithna, Sab sub-khithna, 17, 18, hai. anybody? ऑल्सो ओके ट्वेंटी ठीक है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है दिव्यांश इफ यू बॉट द पी डी ऑफ द अर्लियर लेक्चर नो वरीज लिटल अमेंडमेंट ज्यादा यूट्यूब पे लेक्चर देख लेना तुम ठीक है सो नो नीड टू वरी अबाउट इट नाउ यू नो वॉट आपको इस बुक में आखिरी में आपको uh, ये भी मिलेगा जहां पर सारे सेक्शंस की लिस्ट दी गई है सो so, सी At the end, so do we have to remember section numbers? No. Important section numbers do you have to remember? Yes. सम सेक्शन numbers मैं आपको बताऊंगी कि यार ये तो बस याद रखना ही पड़ेगा सो so, वो बार बार मैं क्लास में रिपीट करूंगी तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा बट फिर भी एक लिस्ट दी गई है सेक्शन वाइज यू नो एक्ट में सेक्शन होते हैं तो आज ये सब मैं आपको सिखाने वाली हूँ तो इनकम टैक्स एक्ट कंसिस्ट ऑफ ऑफ इट लॉट कन्सिसक्शन एंड एवरी थिंग टू टेल यू टूडे सो एंड में बुक में आपको लिस्ट ऑफ सेक्शंस दी गया है वाई सो दैट यू नो आपको कुछ रेफरेंस देखना है कहीं आपने पढ़ लिया अरे एज पर दिस सेक्शन और पढ़ आप याद नहीं आ रहा है कि ये सेक्शन क्या है तो फटाफट आप कहाँ देख सकते हो ये रामबाण में आखिरी के पेजेस में यू कैन क्विकली ओपन अच्छा दिस सेक्शन इज रिलेटिंग टू ऑडिट टैक्स ऑडिट और समथिंग लाइक दैट सो इट बिकम्स अ इजी रेफरेंस करेक्ट एंड ऑफ कोर्स आखिरी में ये जो हमने स्टडी प्लानर के जैसे दिया हुआ है दिस इज एवरी चैप्टर लेक्चर अटेंडेड यू हैव टू पुट अ टिक मार्क इज योर होमवर्क और नोटबुक कंप्लीट यस आई आई बी टेकिंग टेस्ट ऑन एन ऐप एम uh, सी क्यू टेस्ट में लेती हूँ तो उस चैप्टर की टेस्ट कभी कभी क्लास में टेस्ट लूंगी कभी कभी वो ऐप का नाम मैं आपको बोल दूंगी हाउ टू गिव दैट टेस्ट सो यू कैन गिव द टेस्ट ऑन योर ओन दिस इज नॉट द फाइव रिटर्न टेस्ट दिस इज जस्ट अ टेस्ट ऑन द ऐप जस्ट फॉर एम सी क्यू टाइप तो आप टेस्ट दोगे तुरंत आपको करेक्ट आंसर और उसके मार्क्स भी पता चल जाएंगे तो क्या आपने टेस्ट कंप्लीट कर दिया है फर्स्ट रिविजन इस चैप्टर का हो गया सेकेंड रिविजन एंड रिमार्क्स इन केस उस चैप्टर में से आपको कोई कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज करना है फिर से देखना है तो ये लिस्ट आपको लास्ट uh, पेजेस में दी गई है सो यू ऑल हैव टू मेक अ प्रॉपर नोटिंग्स ऑफ दिस करेक्ट यस इनफैक्ट आपको जब बैकअप दिया जाता है फेस टू फेस हो लाइव स्ट्रीमिंग हो आई वुड ऑलवेज से कीप लास्ट पेज ऑफ द नोटबुक यू नो कैसे होता है आपका एंड में जब लेक्चर खत्म हो जाता है ना फिर आपको बोल याद आता है कि यार मैं इस डेट को ये ये एक लेक्चर मैंने मिस कर दिया अब वो लेक्चर ढूंढो कैसे how will you search even live streaming PDGD students you have you watch the lecture sometimes 1.5 times view aate. You know, problem this lecture problem so you have to make a list that you, by chance were born, were absent you should note down the date to mera jo lecture hoga lecture into bracket i will give the date also when i took the lecture or the lecture number you can even ask me so like you have a schedule i also make a schedule what i have taught in which lecture so do you understand that because एंड में कितने लेक्चर्स हो जाएंगे हमारे टैक्स uh, के अराउंड सिक्सटी लेक्चर्स रहेंगे DT, uh, के लेक्चर्स रहेंगे तो हंड्रेड लेक्चर्स में ढूंढोगे कैसे कहा क्या मिस हुआ है सो यू नीड टू प्लान एंड बी वेरी वेरी ऑर्गेनाइज इज दैट क्लियर ये गोज फॉर दी डी जी डी स्टूडेंट्स ऑल्सो नाउ आई स्टार्ट इमीडिएटली यहां पे जो बात हो रही है पहले उसकी तुरंत बात करते थे मुझे एक फटाफट -फड़ बता देना बेटा कि डिमोनिटाइजेशन आपको क्या लगा था बाय द वे सक्सेस uh, था या फेलियर था okay. कल ये बात अपनी कंप्लीट नहीं हो पाई थी ना ओके पार्शल फेलियर ये पॉलिटिकली करेक्ट आंसर है तेरा। <coughs> ठीक है सुन अभी सुनो इट वाज़ व्हाई वाज़ दैट डन बाय द वे ब्लैक मनी को रिकवर करने के लिए ओके व्हाट वाज़ इट डन कि जो भी करेंसी है ना बेटा कि वो पैसे क्या गए वापस आ जाएंगे ओके नाउ दिस डिमोनिटाइजेशन वाज़ नॉट अ सक्सेस एज फार एज द ब्लैक मनी वॉज कंसर्न कि जो पैसे थे ना वो उतने आए नहीं वापस जितनी करेंसी आर बी आई की बैलेंस शीट में दिखती है प्रिंटिंग कौन करता है आर बी आई सो आर बी आई नोज अराउंड कि इतना बैंक में है इतनी करेंसी सर्कुलेशन में होगा तो आर बी आई का जो अंदाज़ा था कि यार इतनी शायद ब्लैक मनी हो सकती है और अपने पास इतना आना चाहिए था उतना वापस बैंक में पैसे नहीं आए सो वी डिट रिकवर वेरी हाई अमाउंट ऑफ ब्लैक मनी जितने लोगों ने परेशानियां देखी दिक्कतें देखी लाइन्स में खड़े होना फिर वो यू नो प्रॉब्लम ऑफ चेंजिंग दैट करेंसी एंड ऑल दैट स्टफ जितनी तकलीफ हुई उतना ये सक्सेस नहीं था एज फार एज वॉट इज कंसर्न ब्लैक मनी बट देन मैम एज फार एज दैट इज कंसर्न देन वॉट हैपेंड इफ यू लुक ये भी एक रामबाण में आपको चार्ट दिया और मुझे ये बहुत पसंद है देने के लिए हर साल में ये यही रखती हूँ चार्ट बिकॉज मुझे आपको ये बताना है नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स सात करोड़ से आठ करोड़ बन गए आफ्टर डिमोनिटाइजेशन सो एक करोड़ लोग टैक्स रिटर्न भरना चालू कर दिया सो दे आर नॉट पेइंग रिटर्न देवर नॉट फाइलिंग इनकम अर्न कर रहे थे बट रिटर्न दिखा नहीं रहे थे बट एक करोड़ जनता ने क्या कर दिया अभी रिटर्न भरना चालू कर दिया कि यार ये गवर्नमेंट ये कुछ भी कर सकते हैं बस डीमोनेटाइजेशन आ गया अचानक से एक शॉक लग गया सबको नहीं नहीं इट्स बेटर वी फाइल आर रिटर्न वी कीप एवरीथिंग प्रॉपर सो दिस इज अ वेरी बिग नंबर दैट गॉट एडेड इन द लिस्ट ऑफ टैक्स पेयर्स एंड दिस हैपेंड ओनली आफ्टर डीमोनिटाइजेशन सो डिमोनिटाइजेशन हेल्प पीपल टू गेट दैट अवेयरनेस कि यार कैश ट्रांजेक्शन मत करो ये गवर्नमेंट कुछ भी कर सकते हैं बट हालांकि मैं आपको बता दूँ, जितनी ब्लैक मनी डिमोनिटाइजेशन के पहले सर्कुलेशन में थी आज उतनी ही ब्लैक मनी और उतना ही कैश करेंसी इज देर इन द मार्केट उतना ही अभी अभी जो रेड हुई वो क्या हुई नई करेंसी निकली ना यार तो आपने डिमोनिटाइजेशन इसलिए किया कि ब्लैक मनी ना हो अभी के रेड में तो सिक्सटी करोड़ कैश तो आई गई ना

कल मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी मोदी जी और केजरीवाल की ठीक है किसी का अगर आज टैक्स का पहला दिन है तो घबराना नहीं है इट्स एब्सोल्युटली ओके वी आर स्टिल ऑन द बेसिक्स वी हैव नॉट यट स्टार्टेड मच कल हमने सिर्फ यही सीखा कि टैक्स दो प्रकार के होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स और हमने ये सीखा कि जैसे रेट पड़ी जानना में या ऐसे कहीं रेट पड़ती है तो अनडिस्क्लोज इनकम होता है इसका टैक्स रेट होता है सेवेंटी एट परसेंट धीरे धीरे मैं आपको हेडलाइंस देती जाऊंगी तो मैम हमको टैक्स रोज रिवाइज़ कैसे करना है एवरी डे यू मस्ट रीड माई हेडलाइन क्या रीड करना है आपको हेडलाइन एंड इट्स वेरी इजी इमीडिएटली इट्स विजिबल ना यू जस्ट ओपन एंड टर्न योर पेजेस एंड यू कैन जस्ट गो थ्रू द हेडलाइंस कभी कभी तो फिर मैं ऐसा करती हूँ कि आई एम टू टेक अ टेस्ट ऑन ऑल हेडलाइंस

ओके लवली सो लेट्स अंडरस्टैंड बेटा कल मैंने आपको क्या बोला मोदी जी जैसे उन्होंने डिमोनिटाइजेशन कर दिया वो आके बोल सकते हैं क्या मित्रों अभी कल से कोविड टैक्स लगाने वाला हूँ कैन यू डू दैट नो मोदी जी को बोलना पड़ेगा मोदी जी क्या आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने पावर्स दिए हैं क्या कोई भी गवर्नमेंट जब टैक्स लगाता है इट मस्ट हैव पावर्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बी इट सेंट्रल गवर्नमेंट और बी एट स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास पावर्स होने

गुड्स बेचने पे वैट सर्विसेज बेचने पे सर्विस टैक्स आइयो कितने सारे टैक्सेस पहले तो डबल डबल टैक्सेस इसीलिए तो जीएसटी लेके आए कितने सारे टैक्सेस है देखो मैन्युफैक्चरिंग किया तो क्या लगेगा एक्साइज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया तो कस्टम्स परचेज ऑफ रिमोबल प्रॉपर्टी स्टैम्प ड्यूटी आस्क योर पेरेंट्स योर पेरेंट्स विल नो अबाउट स्टैम्प ड्यूटी और एवरी दे विल ऑलरेडी नो अबाउट स्टैम्प ड्यूटी यू कैन डिस्कस विद देम यस स्टैम्प ड्यूटी रिमूवेबल प्रॉपर्टी पे लगती ही है ये किसका स्टैंप uh, ड्यूटी कौन लगाता है स्टेट गवर्नमेंट तो हर स्टेट का स्टैंप ड्यूटी का रेट अलग होगा महाराष्ट्र में प्रॉपर्टी खरीदने पे अलग स्टैंप ड्यूटी का रेट होगा गुजरात में अलग होगा दिल्ली में अलग होगा हर स्टेट अपने हिसाब से स्टैंप ड्यूटी का रेट लगाएगा बिकॉज इट इज अब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस यस उसके बाद है स्टेट एक्साइज आई स्टेट एक्साइज एक्सरसाइज ऑन मैन्यूफेक्चरिंग ऑफ लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्शन उसके बाद ये बेटा इफ आई इम्पोर्ट गुड्स देर इज कस्टम्स ड्यूटी का रेट इज फिक्स इंपोर्ट करोगे कस्टम्स स्टेशन पे पोर्ट्स होते हैं बाई वॉटर जो भी गुड्स आते हैं एयरपोर्ट पे भी कस्टम्स एरिया होता है राइट सो एयरपोर्ट ऑल्सो हैज ए कस्टम्स एयरपोर्ट वॉटर पोर्ट दीज ऑल पोर्ट्स जहाँ से इन एंड आउट होता है तो शिपिंग वाटर से बहुत ज्यादा हम लोग इम्पोर्टेशन और एक्सपोर्टेशन करते हैं वाटर वेस्ट से सो so, जो कस्टम्स एरिया होती है जो गुड्स हम इम्पोर्ट करते हैं जैसे कि मुझे मेरे बिजनेस के लिए कुछ इम्पोर्ट करना है सो आई विल इम्पोर्ट आई विल प्लेस एंड ऑर्डर आउटसाइड इंडिया वो इम्पोर्ट करने के लिए इंडिया में आने के लिए या तो एयर से आ सकता है या तो पानी से आ सकता है तो इट विल कम से बाई वाटर एंड कस्टम्स एरिया में उसको गुड्स को रखा जाता है कस्टम्स ऑफिसर उसको चेक करते हैं कौन से गुड्स है फिर उसका रेट डिसाइडेड रहता है सौ रुपए का गुड्स होगा तो टेन परसेंट कस्टम्स ड्यूटी देना पड़ेगा तो आपको टेन परसेंट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा इन शॉर्ट द गुड्स विल कॉस्ट यू हाउ मच हंड्रेड एंड टेन सो इट इज अ टैक्स और ड्यूटी दैट यू हैव टू पे वेन यू इम्पोर्ट गुड्स इंडिया को ही देंगे और किसको देंगे कस्टम्स ड्यूटी का टैक्स इज लेविड बाय द गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जाएगा इंडिया में आ रहा है इसलिए वो इधर ही आने वाला है इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हो तो एक्सपोर्ट पे हम इतना टैक्स नहीं लगाते बिकॉज हम एक्सपोर्ट को एनकरेज करना चाहते हैं एक्सपोर्ट पे बहुत कम गुड्स होते हैं जिसपे टैक्स लगता है बट इम्पोर्ट्स पे आपको टैक्स देना पड़ता है सो मेनी टाइम्स यू रीड इन न्यूज नो एक्टर सो एंड सो ही इम्पोर्टेड अ कार एंड डिड नॉट पे द इम्पोर्ट ड्यूटी डिड नॉट पे द कस्टम्स ड्यूटी तो यू हैव टू पे दिस ड्यूटी वेरी मच इन इंडिया यू आर गेटिंग समथिंग फ्रॉम आउटसाइड टू इंडिया यू हैव टू पे द कस्टम्स ड्यूटी विच इज द कस्टम्स एक्ट लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट तो ये पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाते हैं तुम इंडिया के बाहर से ऐसे भी कुछ भी कैसे लेके आओगे गवर्नमेंट को पता दे ओनली टू वेज दैट यू कैन गेट थिंग्स नो मेरा जो शिपमेंट होता है गुड्स तो so, 400 600 हजार कितना द कस्टम्स पोर्ट हमारे जो होते हैं ना द सुपर बिजी इम्पोर्टेशन इज वेरी वेरी हाई और एक्सपोर्टेशन भी बहुत हाई होता है तो प्रॉपर चेकिंग की जाती है कस्टम्स ऑफिसर चेक करते हैं वहां पर एजेंट्स होते हैं विच हेल्प यू कि अच्छा कौन से गुड्स है टैक्स पे करना है क्लियरेंस होता है एंड देन द गुड्स कैन बी क्लियर ओके यस फाइन यस या आई एम कमिंग टू दैट आई कमिंग टू दैट ये दिस क्वेश्चन वॉज आस्ट टू मी येस्ट डे बाई अ स्टूडेंट एंड ही इज आस्किंग द सेम थिंग अगेन सो राइट अवे लिसन नाउ वट हैपन्स न बेटा ओल्ड जब प्री जी एस टी का एरा था तो हो क्या रहा था लेट से आई वॉज मैन्युफैक्चरिंग शूज बेटा मैन्युफैक्चरिंग शूज पे मुझे एक्साइज ड्यूटी देना पड़ेगा क्यों क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के एक्टिविटी पे गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया था एक्साइज व्हाट आर यू मैन्युफैक्चरिंग शूज स्ट्रेट अप सो व्हाट आर यू मैन्युफैक्चरिंग शूज तो शूज के मैन्युफैक्चरिंग पे क्या लगेगा एक्साइज क्यों मैम क्यों मैम एक्साइज क्यों लगेगा यार क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज इज एप्लीकेबल बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज इज एप्लीकेबल सो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शूज पे एक्साइज ड्यूटी लगेगा फिर इसको सेल करोगे तो वैट लगेगा अरे यार देखो तो विद इन महाराष्ट्र सेल किया तो वैट लगेगा एक स्टेट से दूसरे स्टेट सेल किया तो सी एस टी लगेगा तो ये जो लोग है ना जो बिजनेस करते बोलते ये है क्या यार कितने टैक्सेस पे करने का तुम एक ही बारिश बोल दो हमको क्या टैक्स है एक ही बार ले लो एंड गुड्स के लिए अलग टैक्स था सर्विसेस के लिए अलग टैक्स था दैट इज वायर टू वी इन फॉर जीएसटी ऑफ टैक्सेस बहुत सारे टैक्सेस थे तो मैम एक ही शूज पे दो दो बार टैक्स रहा है पहले मैन्युफैक्चरिंग पे पे एक्साइज उसके बाद बेचने पे भी टैक्स हाँ, ऐसा ही था मैम ये गलत है अरे गलत है इसलिए तो जीएसटी लेके आए ना डू यू अंडरस्टैंड दैट वॉज द प्रॉब्लम दैट इज वाई हैव शिफ्टेड टू जीएसटी बट जीएसटी से जीएसटी को शिफ्ट करते वक्त दो चीजों में हमने शिफ्ट नहीं किया पेट्रोल और लिकर पेट्रोल और लिकर कौन सा लिकर हा लिकर दो प्रकार के होते बेटा एक इंडस्ट्रियल लिकर और एक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन आज भी आप न्यूज में देखो कहीं भी देखो आपके पेरेंट्स को भी पता होगा यार पेट्रोल पे जीएसटी नहीं है क्योंकि दैट्स द क्रिटिसिज्म टुडे द गवर्नमेंट इज फेसिंग कि यार क्या ये है जीएसटी लेके आए पेट्रोल पे नहीं है जीएसटी लेके आए पेट्रोल की प्राइसेस इतने बढ़ते जा रहे हैं इज नो नो यू जीएसटी ऑन पेट्रोल वाई गवर्नमेंट का सेल्फिश मोटिव लिकर पे क्यों नहीं है स्टेट गवर्नमेंट मान ही नहीं रहे उन्होंने बोला जीएसटी के पहले भी लिकर हमारे पास था जीएसटी के बाद भी लिकर हमारे पास ही रहेगा उसका रेवेन्यू हम सैक्रिफाइस नहीं करेंगे दे शुड ऑल्सो अग्री टू गिव दे देवर नॉट अग्री सो दैट इज वाई दीज बोथ आर आउटसाइड जीएसटी क्या विच बोथ थिंग्स पेट्रोल एंड लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्शन आर आउटसाइड जीएसटी डिड यू अंडरस्टैंड दिस यस yes. मैन्युफैक्चरिंग पे क्या टैक्स लगेगा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे इनकम अर्न करने पे करेक्ट आज आज गुड्स या सर्विसेज बेचने पे क्या टैक्स लगता है जीएसटी परफेक्ट मेनी टैक्सेस आर नाउ नॉट देयर करेक्ट अच्छा तो वैट किस पे लगता है सेलिंग ऑफ गुड्स तो कल हमने ये भी देखा था देखो सेलिंग ऑफ गुड्स विद इन द स्टेट वैट लगेगा गुड्स आउटसाइड द स्टेट इंडिया बेचा तो एक्सपोर्ट्स है इस पे क्या लगता है कस्टम्स यू सेल फ्रॉम वन स्टेट टू अनादर सी एस टी सेंट्रल सेल्स टैक्स दिस इज लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छा मैम इसमें से हमको क्या है पढ़ना इनकम टैक्स और जीएसटी और जब जीएसटी पढ़ाऊंगी तब जीएसटी में फिर से ये इनडायरेक्ट टैक्सेस को रेफर करूंगी क्यों क्योंकि मैं आपको बताऊंगी जीएसटी आने से पहले ये गलत हो रहा था वो गलत हो रहा था ऐसा प्रॉब्लम आ रहे थे इसलिए हम जीएसटी में शिफ्ट हुए तो इससे रिलेटेड ये जो एक्साइज कस्टम्स वैट से रिलेटेड आपको बहुत अगर क्यूरियोसिटी होगी ना बेटा तो दैट इज गोइंग टू गेट कवर्ड सेपरेटली इन विच लेक्चर इंट्रोडक्शन टू जीएसटी एस कवर होगा वो बेटा इंट्रोडक्शन टू जीएसटी जीएसटी के इंट्रोडक्शन में ये सब कवर होगा क्योंकि मुझे इन सब टैक्सेस की बुराई करनी है तभी तभी तो मैं बोलूंगी इसलिए जीएसटी लेके आए है।, है कि नहीं यस आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस ओके अब मैम जीएसटी जो लगा हुआ है एट प्रेजेंट जीएसटी का सिनेरियो कैसा है जीएसटी में इफ आई सेल गुड्स विद इन द स्टेट जीएसटी इज टुकड़ों वाला टैक्स कौन सा टैक्स टुकड़ो वाला टैक्स या टी टी एम एम तेरा तू मेरा में स्टेट गवर्नमेंट से दोनों टैक्स लगाएंगे स्टेट गवर्नमेंट को ना सेंट्रल गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं है स्टेट गवर्नमेंट बोलती यार तुम हमको पैसे देते नहीं टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही थी स्टेट गवर्नमेंट को कि यार अपन एक ही टैक्स लगाते सिर्फ जीएसटी है ना और फिर अपन शेयरिंग करेंगे हम दे देंगे तुमको पैसा नो वी डोंट ट्रस्ट यू डोंट ट्रस्ट यू सेल विद इन द स्टेट हो रहा है 50% परसेंट सी जी एस सी लगाओ फिफ्टी परसेंट एस जी एस सी लगाओ तेरा तू मेरा मैं तो तुम तुम्हारा टैक्स लेके जाओ हमारा टैक्स हमारे पास आएगा डू यू अंडरस्टैंड दिस यस एंड इफ यू सेल फ्रॉम वन स्टेट टू एसी का टेम्परेचर बढ़ाना है क्या दिस इज ओके बढ़ाना है मतलब बहुत ठंडा हो रहा है क्या सो शुड आई राइज द टेम्परेचर हाँ मतलब ए सी बढ़ाना नहीं है मैं बोल रही हूं कॉल अमर सो फ्रॉम वन स्टेट टू अनादर या सो वेन आर सेलिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनादर ये इंडिया का ब्रेन चाइल्ड है एक प्रकार का टैक्स विच इज कॉल्ड एज आई जी एस टी हाँ ना वाई एम आई टेलिंग यू ऑल दिस राइट नाउ सो दैट जस्ट ए इंट्रोडक्शन यू शुड नो दिस आई जी एस टी लगता है ये बहुत डिटेल में हंड्रेड आवर्स ऑफ जी एस टी इज़ देर थर्टी टू थर्टी फाइव लेक्चर्स ऑफ जी एस टी आर देर वेर इन डिटेल आई एम गोइंग टू टीच यू बट यू शुड जस्ट हैव एन आइडिया सी वेर एवर आई टॉक समटाइम्स समटाइम्स हर्षद सर में नीड दिस इन कॉस्टिंग यू नो सो एक ब्रीफ आइडिया दे के रख रही हूँ सो दैट यू आर नॉट लॉस्ट वन दीज टर्म्स कम टू यू एटलीस्ट कोई बोलेगा अच्छा एक्साइज ड्यूटी हाँ पता है इट्स अ टैक्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग कस्टम्स ड्यूटी हाँ पता है इट्स अ टैक्स ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट डिटेल में हमने नहीं पढ़ा है डिटेल में हम क्या पढ़ने वाले इनकम टैक्स और उसके बाद डिटेल में क्या पढ़ने वाले जीएसटी कस्टम्स ड्यूटी हम किधर पढ़ेंगे फाइनल स्टेप बाय स्टेप जाएंगे एक ही दिन सारा खाना खा लोगे तो चलेगा क्या नहीं हजमोला खाना पड़ेगा फिर यस सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट हियर इट इज सी सो फ्रॉम वन स्टेट टू अनादर देर इज आई लगता है एंड वेन यू सेल विद इन द स्टेट इट इज सी जी एस टी एंड एस सी माने ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एस माने ये स्टेट गवर्नमेंट का इज जीएसटी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाद में शेयरिंग करते हैं इसका आई का भी थोड़ा सा पार्ट वो स्टेट को देते स्टेट्स के भी बहुत खर्चे होते तो स्टेट्स को भी पैसे देने पड़ते हैं ठीक है तो फर्स्ट ये जीएसटी का चार्ट बना लो नोटबुक में क्विक आज काफी थ्योरी वाला सिखाऊंगी कल बहुत मजा करेंगे कल अपन क्या बंद करूं मैं नहीं करने वाले हूँ अमर आएगा ना उसको बोलने वाले आई डोंट नो कौन सा फैन इज विथ स्विच आई एम नॉट डूइंग दैट थोड़े दिनों में ना आप आप जहाँ बैठते हो उसका स्विच uh, क्या आप ये डाल दो कि कहा कौन सा स्विच है फैन का यू आर फ्री टू गेट अप फ्रॉम देयर कम हियर एंड डू वट एवर यू वॉन्ट विदाउट डिस्टर्बिंग मी एंड अदर्स ओके विल कॉल अमर आई इज बिकम कोल्ड ना ना आई टेलम टू स्विच ऑफ द फैन्स फिर एक को चाहिए रहता है एक को नहीं चाहिए रहता है मज्जा अमर आईक ना इतना जरा ए सी झा टेम्परेचर वाढ़ो ना हाँ 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 ठीक है ठीक है येस बेटा हाँ करेक्ट हाँ आई जी एस टी भी लगता है उसके ऊपर हाँ यस जब आप कस्टम्स ड्यूटी मतलब गुड्स इंपोर्ट करते हो ना ये मैं जीएसटी में सिखाने वाली हूँ इसलिए अभी नहीं बोला व्हेन यू इंपोर्ट गुड्स यू हैव टू पे कस्टम्स ड्यूटी आल्सो एंड प्लस आईजीएसटी। बट आई बी टीचिंग यू दैट वेयर इन जीएसटी मैम मैम उसने क्या बोला मैम <laughs> तुमको क्वेरी आई क्या तो चुपचाप बैठो क्यों क्योंकि ये कवर होने वाला है एक पूरा चैप्टर है उस कॉन्सेप्ट क्या है पूरा चैप्टर आई एम वेरी मच कंसर्न कि यार किसी का कुछ मिस आउट नहीं होना चाहिए अगर मुझे पता है कि वो कॉन्सेप्ट आगे कवर होने ही वाला है तो मैं वो चैप्टर के साथ ही पढ़ा दूंगी ना वाई आर यू वरिंग तुमको ना पहले एक आठ और दस दिन ऐसा लगता है यार कुछ मिस आउट हो रहा है अरे इसने ये पढ़ा कुछ ऑल बुक्स सेम सेम एक्ट सब सब जगह है सेक्शन वाइज बोलता है कुछ अलग नहीं है ऐसे होता ना कि अगर हम दस किताबें लेके सी बन जाते तो दुनिया का हर आदमी आज uh, सी होता सो इट्स नॉट ऑन द बुक्स दैट यू बाय इट्स नॉट ऑन द कंटेंट दैट यू गेट इट्स ऑन द कॉन्सेप्ट दैट यू अंडरस्टैंड डू यू गेट दैट Yes. So don't have that इसने ऐसा सीखा एक्ट सेम है सेक्शन सेम है सब जगह पे समझ में आ रहा है क्या मॉड्यूल में खोलोगे तो भी वही लिखा है मेरे नोट्स में भी वही लिखा है एक्ट में भी वही लिखा है ठीक है यस यू यस हर कंट्री मोस्ट ऑफ द कंट्रीज डू लेवी टैक्सेस मोस्ट ऑफ द कंट्रीज है भरने हाँ, का।, का वो उसके घर का है ये मेरे घर का है <laughs> वो उसका टैक्स है वो कंट्री थोड़ी आ रही है इधर मेरे को क्या मेट्रो बनाने के लिए हाँ, हाँ बट वो उनके रूल्स होंगे ना दैट यू बाय देन यू हैव टू पे टैक्सेस इट्स लाइक अ एक्सपोर्ट उनको एक्सपोर्ट पे टैक्स लगाने की नहीं वो डिसाइड करेंगे Are you understanding? For that country, it is a export. Like for India, when I sell outside India, it's a export. मुझे export पे tax लगाना है कि नहीं ये मैं decide करूँगी. So उनकी country decide करेगी. जैसे countries like Dubai and all, they don't have income tax. For many many years, no taxation, no income tax. They have only one tax. अभी VAT introduce किया उन्होंने कुछ साल पहले. So there are many countries यहाँ पे tax नहीं भी होता income tax. There are some countries यहाँ पे income tax नहीं है, direct tax नहीं है, indirect tax है. दिस इज एवरी कंट्री as डिसाइड एज पर what is suitable इज them. फॉर देम इज ओके सो यस कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ मतलब तो हुआ ना जो भी टैक्स लगता है वो लगेगा जैसे अगर मैंने स्टेट गवर्नमेंट को भी इनकम टैक्स देना पड़ेगा इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है तो उनको देना पड़ेगा और अगर आई एम सेलिंग गुड्स वैट है तो वैट आएगा टैक्सेस जैसी है वैसे लगे लगती है जीएसटी भी लगेगा जो भी टैक्स लगता है वही लगेगा उनके लिए कुछ भी अलग नहीं है कहीं कहीं उनको एग्जाम्शन दिए जा सकते हैं ठीक है तो उसका सवाल है इन जनरल की गवर्नमेंट को भी टैक्सेस देने पड़ते हैं क्या हाँ देने पड़ते हैं कभी कभी उनको एग्जाम्पन मिलेगा छूट मिलेगी पहले लेट्स नॉट गो पहले नॉर्मल टैक्स तो सीख फिर गवर्नमेंट का टैक्सेशन सीखेंगे पहले नॉर्मल टैक्स सीखते फिर गवर्नमेंट का टैक्स लेकिन क्या गवर्नमेंट को लगेगा यस yes. येस Okay. Now, did you note down GST? Yes. Perfect. Now let's understand. Let's write down Article 246 gives three lists. Article 246 gives three lists. फैन कमी कर कमी कर थ्री लिस्ट राइट डाउन यूनियन लिस्ट और द सेंट्रल लिस्ट देन स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट Kazlava Zetari. Značilna Zetoka. 246 246 ने बेटा क्या दिया? कहाँ का है? Constitution का आर्टिकल टू फोर्टी सिक्स कॉन्स्टिट्यूशन गिव थ्री लिस्ट यूनियन लिस्ट माने सेंट्रल लिस्ट स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट इस लिस्ट में mention किया जाएगा कौन सा टैक्स कौन लगाएगा सो so, केजरीवाल जी को कुछ डाउट आ गया कि यार मुझे एक और एक टैक्स लगाना है तो उनको प्लीज ये क्या दिखाना आर्टिकल 246 उनको बोलना देखो यहाँ पे कितनी लिस्ट दी गई है तीन नाउ दिस इज समथिंग ये यू uh, नो you know, एक बार मैं आपको पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बोलूंगी ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बोला ये एग्जाम व्यू पॉइंट से इम्पॉर्टेंट है सिर्फ समझना ये जरूरी नहीं है समझना प्लस एग्जाम क्लियर करना ये दोनों उतना ही जरूरी है सो वेर एवर यू नो आई बी गिविंग यू स्टार मार्क्स की यू हैव टू लर्न दिस फॉर एग्जाम इस चैप्टर में से ये कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएगा समझ में आ रहा है यस सो यूनियन लिस्ट में कौन सा टैक्स था बताना जरा पहला मुझे इनकम टैक्स तो लिखो इनकम टैक्स मैं डिरेक्टली तुमको ये लिस्ट दे देती तो नहीं चलता एटलीस्ट आज आपको इस टैक्स का मतलब क्या रफली तो पता चल गया ना है कि नहीं यस लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स प्लीज राइट डाउन एनी स्टूडेंट नॉट राइटिंग हिज नेबर विल बी गेटिंग अ पनिशमेंट किसी की बुक इनकम्प्लीट in है तो नेबर को पनिशमेंट मिलेगी चेक योर नेबर्स एंड सी टू दैट दे आर राइटिंग ओके ओके ना हाँ आयुष सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर डेट एब्सल्यूटली राइट बाइंग स्टेट के साथ शेयर करता है ठीक है करेक्ट है ज्योति ओके नाउ लेट्स सी कौन सा ड्यूटी नेक्स्ट लिखू टैक्स कौन सा लिखू बताओ ना एक्साइज ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी के बाद कस्टम्स ड्यूटी के बाद सी एस टी का फुल फॉर्म क्या है इनकम टैक्स एक्साइज ड्यूटी कस्टम्स ड्यूटी तो ऐसा नहीं है कि तुम गुजरात की पोर्ट पे गुड्स मंगा लो एयरपोर्ट पे मंगाओ तो उधर कस्टम ड्यूटी अलग लगेगा दिल्ली के एयरपोर्ट से गुड्स लेके आओ तो अलग लगेगा नहीं कस्टम्स इज सेम थ्रू आउट द कंट्री बिकॉज इट इज लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करता है इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एंड इट इज गोइंग टू बी द सेम जो भी एक्ट स्टेट गवर्नमेंट लेवी करेगा इट विल अप्लाई ओनली टू देर स्टेट और वो अलग अलग होता है

आई जी एस सी भी नहीं है एनीथिंग एल्स दैट वी आर मिसिंग आउट सर्विस टैक्स वॉज देयर अर्लियर नाउ इट्स नॉट देयर बट ठीक है आपको नोट करना है सर्विस टैक्स जब होता था वो भी सेंट्रल की लिस्ट में था आज सर्विस टैक्स तो नहीं है पहले कोचिंग फीस पे क्या लगता था सर्विस टैक्स आज क्या लगता है जीएसटी एटीन परसेंट आगे स्टेट लिस्ट में क्या है बेटा वैट स्टैंप ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट में बेटा स्टैंप ड्यूटी कम्स इन स्टेट गवर्नमेंट नो इट कम डर वेट एक्साइज ऑन लिख फॉर लिखो अच्छे से लिखो

Uh, you know, um, वगैरह अभी नहीं आपको डिटेल में नहीं जाऊंगी बिकॉज वो जीएसटी के टाइम हम बहुत डिटेल में इनडायरेक्ट टैक्सेस कवर कर लेंगे सो इवन इफ यू नोट दिस मच फॉर नाउ इट इज मोर देन इनफ नाउ कॉन्करेंट लिस्ट में देर इज नो टैक्स आइटम नो टैक्स आइटम नो टैक्स आइटम मैम ये क्या है मैम कहीं पे भी जीएसटी नहीं है यार जीएसटी के लिए अलग आर्टिकल ही इंट्रोड्यूस कर दिया था ए में बोला गया था जीएसटी कैन बी और वहां बोला गया है विद इन द स्टेट होगा तो दोनों लेवी करेंगे एक स्टेट से दूसरे स्टेट होगा तो ये ये जो मैंने आपको बताया ना विद इन द स्टेट होगा तो दीजीएसटी भी लगेगा और एस जी भी ये जीएसटी एस टी इंट्रोड्यूस किया विध आर्टिकल टू फोर्टी सिक्स ए तो कोई भी मैम जीएसटी तो दोनों लगाते स्टेट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी तो वो कॉन्करेंट लिस्ट में आना चाहिए नहीं ये गलत है लोगों को ऐसे लगता है लोगों को ऐसा फील ये आता है इट इज समाइम्स ऑल्सो मैंशन रॉन्गली इट इज रॉन्ग इट डज नॉट कम इन द कॉन्करेंट लिस्ट जी अच्छा वॉट इज अ कॉन्करेंट लिस्ट ऐसा टैक्स जो दोनों लगाएंगे उसका एग्जाम्पल है जीएसटी बट जीएसटी कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन नहीं किया जीएसटी खुद में इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए अलग

दोनों मिलके करेंगे इस लिस्ट में सिर्फ टैक्सेस नहीं मैंशन है इस लिस्ट में उनके काम भी मैंशन है जैसे डिफेंस विल कम इन यूनियन लिस्ट डिफेंस किसकी कैटेगरी में आता है यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट डिफेंस स्टेट गवर्नमेंट में नहीं आता है पुलिस किसके अंडर आता है पुलिस कम्स अंडर द स्टेट गवर्नमेंट डू यू अंडरस्टैंड दैट येस तो समटाइम्स जब पुलिस से हैंडल नहीं होती है चीजें वी हैव टू कॉल फॉर द मिलिट्री एंड देन वी हैव टू रिक्वेस्ट देंट्रल गवर्नमेंट प्लीज कैन यू सेंड मिलिट्री और आर्म फोर्स डू यू अंडरस्टैंड दिस तो ये जो लिस्ट होती है इसमें सिर्फ टैक्सीज नहीं मैंशनड है इस लिस्ट में क्या मैंशनड है काम भी कौन से कौन से आपकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी मैंशनड है इज दट क्लियर टू एवरीबडी यस बोलो कैंडलिस्ट भी ऑल्टोर्ड यस जैसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना है इसमें ये भी अमेंड आएगा इट्स अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मुझे ये अमेंड करना है तो अमेंडमेंट करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन में इट कैन बी कौन कर सकता है एक्ट में चेंजेस हाउस ऑफ पार्लियामेंट अब मैं बताऊंगी कल आपको अंकिता मैम ने बताया रहेगा कल यू मस्ट हैव दैट दैट आई आई विल बी डिस्कसिंग बिकॉज है तो दोनों एक्ट ही फाउंडेशन में भी सीखा है हमने कि एक्ट बनता कैसे है सेम वे एक्ट में अमेंडमेंट भी वैसे ही आती है कैन आई अमेंड दिस यस आई कैन ओके राइट यस बोलो बोथ टोल <laughs> नो इट डिपेंड्स अपॉन द हाईवे समर स्टेट हाईवे समार नेशनल हाईवे यस प्राइवेट स्कूल्स कहीं पर भी नहीं आएंगे वाई वि कम एनी वेयर नो वेयर यार इट इज एजुकेशन अलग है अभी अपन टैक्स पढ़ रहे दैट इज अ टोटली डिफरेंट फील्ड ऑफ यू नो कि एजुकेशन को कैसे कंट्रोल करना है किसको लाइसेंस ये देना है सीबीएसई बोर्ड है आईसीएसई बोर्ड है आईबी आई बी बोर्ड है अलग अलग बोर्ड है वो टोटली अलग आ गया ना बेटा यस यस डन आई गो हेड ओके नाउ तो ये लिस्ट आपको पता चल गई सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एंट्री नंबर 82 लिखो एंट्री नंबर 82 इनकम टैक्स की एंट्री है नवा एटी टू मैम मैंने आपको बोला ना इस लिस्ट में बहुत सी चीजें आएंगी एक दो तीन चार ऐसे एटी टू नंबर पे इनकम टैक्स आता है कौन से नंबर पे एटी टू नंबर पे इनकम टैक्स आता है तो उसको बोलते एंट्री नंबर एटी टू अनु दोनों में है तो भी कॉन्करेंट लिस्ट में जीएसटी क्यों नहीं है जीएसटी इतना खास है कि उसके लिए अलग आर्टिकल इंट्रोड्यूस करना जरूरी था ठीक है ये बहुत एक मिसकॉन्सेप्शन होता है लोगों को लगता है कि जीएसटी दोनों लेवी कर रहे तो यह कॉन्करेंट लिस्ट में आएगा नहीं कॉन्करेंट लिस्ट में कोई भी टैक्स का आइटम नहीं है बाकी की उनकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है इज दैट क्लियर यस सो एंट्री नंबर एटी टू इसको आप दोगे दो तीन चार पांच स्टार मार्क्स कितने स्टार मार्क्स दो तीन चार पांच स्टार मार्क्स ओके मींस एंट्री नंबर 82 टू या आपको एमसीक्यू वगैरह क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन सी एंट्री नंबर के तहत इनकम टैक्स लेवी किया जाता है इज दैट ओके इज दैट ओके या ओके सो एंट्री नंबर 82 बेटा सो लिस्ट बता दी मैंने आपको ओके नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट क्या लेवी करने वाला है टैक्स कैसे लेवी होगा सेंट्रल ये सब हमें पता चल गया नाउ लेट इज फोकस लिटिल बिट ऑन हिस्ट्री नाउ लिसन बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है अभी आप मत लिखना आप पहले सुन के लेना का टाइम दे दूंगी इनकम टैक्स एक्ट 1961, व्हाट आर वी स्टडींग इनकम टैक्स एक्ट 1961 यस yes. वन so, पहले एंट्री नंबर 82 को आपने कितने स्टार मार्क दे दिए दो तीन चार कैसे बोलने का दो तीन चार, चार। पांच दे दिए, यस। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट इनकम टैक्स एक्ट देखो मैंने आपको ओवरऑल आइडिया दे दिया कि टैक्स लेवी कौन करता है गवर्नमेंट गवर्नमेंट को पावर कहां से मिलता है पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन uh, से कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 240 Six ने कितनी लिस्ट दी है तीन जो भी टैक्सेस यूनियन लिस्ट में होंगे वो टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करेगा जो भी टैक्सेस स्टेट लिस्ट में है वो कौन लेवी करेगा स्टेट गवर्नमेंट जो भी लिस्ट में लेकिन लेकिन कोई भी टैक्स <tune> नहीं है लेकिन मैम जीएसटी तो दोनों लेवी करते जीएसटी बहुत खास है उसके लिए अलग आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया है इज दैट ओके इतनी बड़ी स्टोरी मैम आपने बताई कंक्लूजन यू मस्ट नो थ्री लिस्ट यू मस्ट नो लिस्ट वन में क्या आता है यू मस्ट नो लिस्ट टू में क्या आता है यू मस्ट नो एंट्री नंबर एटी टू इनकम टैक्स के लिए इज दैट क्लियर पक्का ओके okay. नाउ income tax act the first word that you have to understand that we levy tax on yeah. income and that is why our tax is called as yeah. income tax act ma'am can somebody levy tax on expenditure why not out of box thinking her country apna apna economic hai, decide kar sakte ki hame tax levy karna or aur levy karna hai? is that okay yes. yes so income tax it is a tax on income, income. So I'm going to focus a lot today on the word income. In some time, I'm going to come to the word income. Okay. Tax. Tax is derived from the word taxo. From what word? Taxo. It's a Latin word. It means rate of tax. Kya mean karta ye? Rate of tax. मैम ये टैक्स है कितना पुराना इसकी हिस्ट्री क्या देखेंगे टैक्स की हिस्ट्री अब ध्यान से सुनना द हिस्ट्री ऑफ टैक्स मैम क्या है ये कब से टैक्स लेवी किया गया इनकम टैक्स क्या 1961 से आया है नो नॉट एट ऑल यस राजाओं के जमाने से टैक्स लगता था चाणक्य के टाइम से टैक्स लगता है बिकॉज आपको जो किंग है ही वॉज प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम अदर्स तभी वॉर्स बहुत होती है सो यू नो वी आर प्रोटेक्टिंग आर पब्लिक एंड आर किंगडम एंड दैट इज वाई वी हैव टू कलेक्ट सम टैक्सेस वी हैव टू स्पेंड द मनी ऑन आर्मी सेम वॉट वी आर डूइंग टू आज ये कैसे बन रहा है मेट्रो बन रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है वैक्सीनेशन uh, पे पैसा खर्च हो रहा है कोविड की ट्रीटमेंट हो रही है डिफेंस uh, करना वी स्पेंड सो मच मनी ऑन डिफेंस एंड वी हैव टू वी हैव टू विद द प्रेजेंट सिचुएशन दैट इज हैपनिंग Correct. डू यू अंडरस्टैंड Yes. इफ our कंट्री इज नॉट strong enough, we वी know नो what will विल So सो वी हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन डिफेंस खर्चे अलग अलग प्रकार के होते हैं प्लैंड एंड अनप्लैंड प्लैंड एंड अनप्लैंड आप इधर रह रहे हो तो आपका प्लैंड खर्चा आपको पता है ये 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 करना पड़ेगा कभी एकदम से किसी खास फ्रेंड का बर्थडे आ गया तो वो क्या हो गया अनप्लैंड डू यू अंडरस्टैंड दैट सो वी ऑल्सो हैव प्लैंड एक्सपेंसिस वी हैव अनप्लैंड एक्सपेंसिस सो गवर्नमेंट को भी अनप्लैंड जैसे कोविड आ गया नो बडी हेड एक्सपेक्टेड टू स्पेंड सो मच मनी ऑन कोविड करेक्ट येस सो नाउ हिस्ट्री ऑफ द टैक्स टैक्स बहुत पुराना है सबसे पहले ब्रिटिश के जमाने से ले भी किया गया एटीन फिफ्टी सेवन में आपने मंगल पांडे के बारे में सुना yes, है क्या मूवी देखिए क्या मनी करनी का देखिए क्या रानी लक्ष्मी बाई यस तो इट इज टैक्स इज रिलेटिंग टू देम नाउ हाउ एटीन फिफ्टी सेवन में इंडिया ने रिवोल्ट किया था अलग अलग जगहों पर क्या हुआ था 1857 में रिवोल्ट हुआ था हिस्ट्री में रिवोल्ट हुआ था 1857 में जैसे मंगल पांडे का रिवोल्ट हुआ था रानी लक्ष्मीबाई ने रिवोल्ट किया था अगेंस्ट द ब्रिटिश है ना तो मंगल पांडे का रिवोल्ट क्यों हुआ था आपको पता है क्या yes. उनको जो कार्ट्रिजेस दी गई थी देवर कार्ट्रिजेस oh, पे कोटिंग था ऑफ ताउ और पिग uh, के बफेलो uh, मीट का था एंड देन द सोल्जर्स हैड टू पुट दैट इनटू द माउथ एंड यू नो ओपन इट अप एंड देन लोड द कार्ट्रिज इनटू द गन देन दे रिफ्यूज कि हम लोग नहीं करेंगे ऐसा देन उन्होंने क्या चालू कर दिया दे स्टार्टेड यू नो मंगल पांडे अटैक द ब्रिटिश ऑफिसर्स देन ही वॉज हैंंग्ड फिर सारे लोग नाराज हो गए uh, ऐसे बहुत कुछ रिवोल्ट होने लगा ये रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए ना बेटा ब्रिटिशर्स ने बहुत पैसे खर्च कर दिए द क्वीन ऑफ इंग्लैंड गॉट वेरी अपसेट शी शीजर वॉट इज दिस इंडिया में भेजा है तुमको वहां से पैसे कमाने के लिए और तुम सारा खर्चा करके आ गए तो 1860 में पहला इनकम टैक्स लेवी किया गया था यह उन्होंने पांच साल के लिए लेवी किया सो दे लीव इट द फर्स्ट एवर इनकम टैक्स कॉल्ड एज अ रेवेन्यू टैक्स नाम अलग था तभी सो मैं हिस्ट्री बता रही हूँ कि टैक्स बहुत पुराना नहीं है एटीन से पहले भी लगान या किंग्स यूज टू टेक टैक्सेस दैट टाइम टैक्सेस टैक्सीज टेकन इन फॉर्म ऑफ कॉइन फार्मर को बोला जाता था अगर तुमने जो भी क्रॉप ग्रो किया उसका वन थर्ड हमें देना एक टेंथ यू नो वन टेंथ पार्ट यू कैन जस्ट गिव इट टू अस समथिंग लाइक दैट सो हर किंग uh, कुछ ना कुछ लगान लेता था तो बट ऑफिशियली ऑन पेपर कब आया सबसे पहले लीगली स्टैच्यू कब बना 1860 में आफ्टर द 1857 के रिवोल्ट के बाद ऑफ कोर्स ये ब्रिटिशर्स नहीं लगाया हुआ था फिर एक 1922 में ये क्योंकि फाइव इयर्स के लिए लगाया गया था दे थॉट कि बस जितना अपना नुकसान हुआ है उतना रिकवर कर दो दैट वाज द इंटेंशन फिर 1922 में फिर से आया पहला इनकम टैक्स अगेन दिस वाज वी वर नॉट येट फ्री इंडिया वॉज स्टिल अंडर द ब्रिटिश रूल सो ये वाला एक्ट भी वैसे भी ज्यादा नहीं चलने वाला था बिकॉज नाइनटीन ट्वेंटी टू का एक्ट माने ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिश पार्लियामेंट थी तभी इंडियन पार्लियामेंट और इंडियन गवर्नमेंट वॉज नॉट इन एक्सिस्टेंस उसके बाद इंडिपेंडेंस हमें मिलने के बाद नाइनटीन सिक्सटी वन में वी फॉर्म एन इनकम टैक्स एक्ट विच इज नाइनटीन सिक्सटी वन तो मैम क्या हम इतना पुराना एक्ट पढ़ रहे हैं 1961 का एक्ट पढ़ने वाले मैम हम 2022 में बेटा ये हर साल अमेंड होता है हर साल अमेंड होता है सो वे रिवी आर स्टडिंग इनकम टैक्स एक्ट 1961 एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट हाँ फाइनेंस एक्ट 2022 बाय फाइनेंस एक्ट 2022 तो so, हर साल अमेंड होता है तो so, जो हम पढ़ रहे हैं वो अमेंडेड वाला एक्ट पढ़ रहे हैं लेकिन होता कौन सा ओरिजिनल एक्ट कौन सा है इनकम टैक्स एक्ट 1961 सिक्सटी एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट तो नाइन फाइनेंस एक्ट 2022 करेक्ट सो so, हम हर साल जो ये फाइनेंस एक्ट है ये अमेंड होता है इनकम टैक्स एक्ट इज चेंज एवरी ईयर टैक्स रेट्स कीप ऑन चेंजिंग सम रूल्स कीप ऑन चेंजिंग वाई यू हैव टू चेंज एज पर मैंने बोला ना आप क्या जुगाड़ करते हो उसके बेसिस पे हम नया सेक्शन लेके आएंगे कुछ नया लेके आएंगे तो इसलिए चेंज करना पड़ता है कॉन्ट कीप इट सेम सो हर साल क्यों चेंज करना पड़ता है लोगों का जुगाड़ देखना पड़ता है अच्छा ये प्रोविजन मिस यूज हो रही है ये प्रोविजन में लूपोल है, है, है तो लेके आना पड़ता है हर साल तो क्या हम इतना पुराना एक्ट पढ़ रहे बिल्कुल नहीं वी आर लर्निंग सो नाइनटीन से रिलेटेड मैंने आपको ये बता दिया कि वी आर स्टडिंग द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 as as amended by finance act 2022 as amended by finance act 2022 income tax act income it's a tax on income tax is derived from the word tax so are you going to get questions like this tax is derived from which word no वी हैव बेटर क्वेश्चन टू आस्क वी आर इन सी ए कोर्स वे आर नॉट डूइंग बीकॉम एग्जाम डू यू अंडरस्टैंड दैट येस तो ये सब आपको ताम झाम क्यों हो रहा है आपका बेस रेडी करने के लिए जो मुझे लगता है कि फाउंडेशन में सिखा देना चाहिए क्या वो कुछ तो बीसी के बीसीआर वाई डू वी नीड इड वी डों नीड इट वी नीड समथिंग लाइक दिस टू बी टॉट इन फाउंडेशन एक बेस आपको कॉन्स्टिट्यूशन क्या पता नहीं होता है आपको स्टेट गवर्नमेंट क्या है पता नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सा टैक्स लगाता है पता नहीं है ये आपकी गलती नहीं है तो ये आपको सिखाना चाहिए ना दैट इज वॉट वेग सो ये हम इसलिए सिखा रहे हैं कि आपका एक बेस रेडी हो जाए तो हम टैक्स पढ़ाए इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है टैक्स लैब्स और वो एंट्री नंबर 82 टू एमसी क्वेश्चन में कि एंट्री नंबर 82 टू विल लेवी इनकम टैक्स एंड ऑफकोर्स नोइंग दिस कॉन्सेप्ट कि इनकम टैक्स एक्ट इज सेम थ्रू आउट द कंट्री वैट इज डिफरेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ठीक है यस अब एक्ट क्या है एक्ट कैसे बनता है पहले एक बिल होता है नाउ ऑफ कोर्स उसका ड्राफ्ट होता है फिर एमसीए नहीं आएगा यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आएगा एमसीए विल कम फॉर यस कॉर्पोरेट अफेयर्स मींस कंपनी एक्ट यहां कौन सी मिनिस्ट्री आएगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कौन सी मिनिस्ट्री आएगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस So we are not gonna have MCA here. MCA will, is a Ministry for Corporate, corporate Affairs. Yes. Hamarile ministry is Ministry of Finance. 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 So Nirmala Sita Raman is the head of the Ministry of Finance. 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 So she is called as the finance, finance Minister. She is called as the Finance, finance, finance. Minister. So finance related Jovi acts banenge wo Ministry of finance. 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 Along with there's another ministry which is Ministry of Justice and Law. वो प्लस द फाइनेंस मिनिस्ट्री मिला के लॉ बनाते हैं ये ड्राफ्ट बनाते हैं ये ड्राफ्ट इज मेड ओपन टू द पब्लिक एंड इफ पब्लिक सजेस्ट इट इज सेंट टू बिग कारपोरेट इट इज सेंट टू सम समस्टीट्यूट सी ए इंस्टीट्यूट के पास भी आता है फाइनेंस बिल इंस्टीट्यूट के पास आता है इंस्टीट्यूट रिकमेंडेशन करती है कि हाँ ये चेंज करो फिर उस ड्राफ्ट में चेंज किया जाता है एंड देन दैट ड्राफ्ट गोज टू दू नो हाउस ऑफ पार्लियामेंट Yes, so, ये जो एक्ट है पहले ये जो बिल बनाया जाएगा बिल होगा इसका ड्राफ्ट आएगा देन दिस विल बी प्रेजेंटेड इन द हाउसेज ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ एंड यहां पर अप्रूव होने के बाद इट हैज टू बी साइंड बाय द एंड द डे द प्रेसिडेंट साइंस इट इट विल बिकम एंड इट विल बिकम एन एक्ट इज दैट क्लियर यस तो ये एक्ट हुआ कभी कभी सम आई विल ऑल्सो बी रेफरिंग टू ऑर्डिनेंस इनकम टैक्स में ऑर्डिनेंस पास हुए थे एग्जाम्पल की 2019 और 2020 में नाउ व्हाट इज एन ऑर्डिनेंस एंड इट इज अ ये एक्ट का ही छोटा भाई है बट ये हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट तभी सेशन में नहीं थे ये हुआ आपको कल सिखाया क्या हाँ सो वेन हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन कैसा होता है पार्लियामेंट पूरे बारह महीने काम नहीं करती बट उस बीच में जैसे इमरजेंसी में कोविड के टाइम 2019, 2020 में हमें कोविड की वजह से कुछ बेनिफिट देने थे लोगों को टैक्स में सो वी पास अ ऑर्डिनेंस एंड जब पार्लियामेंट फिर से काम करना चालू करती है तो इस ऑर्डिनेंस को हम पास कराते पार्लियामेंट में तो यस सो यस्टरडे यू आर टॉट लॉ में हुआ है क्या आपका ये कल ओके ओके So, in income tax, हम क्या करने वाले हैं सो वी आर ये एक्ट ऑर्डिनेंस भी कभी कभी होता है ऑर्डिनेंस जैसे इनकम टैक्स में पास हुआ था टू थाउजेंड नाइनटीन एंड ट्वेंटी ट्वेंटी में करेक्ट सो वील नाउ राइट डाउन एक एक करके कुछ चीजें नोट करते हैं सो फर्स्ट यू राइट डाउन दिस ये लिखो इनकम टैक्स एक्ट नाइनटीन सिक्सटी वन नोट इट डाउन बेटा करवाए गए ना नहीं तो ऑर्डिनेंस ऑलवेज बिकम्स अ पार्ट ऑफ द एक्ट इफ इट इज पास स्टिल कॉल्ड एन ऑर्डिनेंस ओनली बिकॉज ओरिजिनली इट वॉज नॉट पासड इन दार्लियामेंट बाद में उसको अप्रूवल मिला तो इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ द एक्ट नो 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 हाँ ऑफकोर्स ऑर्डिनेंस yes. अप्रूव, अप्रूव नहीं करा तो इट विल नो मोर बी अ पार्ट ऑफ द एक्ट लेकिन जब तक वो था उसकी वैलिडिटी ऑन रहेगी आज मैंने उसको अप्रूव नहीं किया तो कैंसिल बट जब तक पार्लियामेंट जब तक ऑर्डिनेंस अनाउंस था वो बेनिफिट दिए गए थे तो वो रहेंगे पहले ये नोट करो तो एक एक करके और मैं डिटेल में भी ये हो गया नोट करके नोट इट डाउन टैक्स स्लैब सीखेंगे ना मतलब टैक्स कैलकुलेशन टैक्स का रेट तो और मजा आएगा सो देर विल डू दैट सो मे बी नॉट टूडेज लेक्चर बट फ्रॉम टुमोरोज लेक्चर विल अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिकल थिंग्स विल स्टार्ट पहला लेक्चर मतलब पहला इंट्रोडक्शन चल रहा है तो थोड़ा थ्योरी आपको सिखाना पड़ेगा ठीक है ना ओके okay. बता रही हूँ काजल रुक जा बेटा जरा पहले एक्ट के बारे में लिखेंगे ये बिल कौन बनाएगा मिनिस्ट्री ऑफ नहीं एक मिनट मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस प्लस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑर्डिनेंस के बारे में बताती हूँ फिर से ऑफकोर्स पहले ये लिख के लो सो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सो हर बार मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस होती है और जो जो जिस मिनिस्ट्री से रिलेटेड लॉ है वो भी जुड़ जाएंगे उसके साथ सोमिक जैन रुक जा वॉट इज सेस वॉट इज सरचार्ज बताने वाली हो रुक जा जरा नोट कर लिया आपने करेक्ट डन उसके नीचे लिखना है ऑर्डिनेंस के बारे में लिखता है विल यू गेट क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन ये आ सकता है थ्योरी क्वेश्चन ऑन ऑर्डिनेंस नो डू यू हैव टू लर्न द नेम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस नो विच मिनिस्ट्री पास इज द एक्ट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आई यू गो गेट क्वेश्चन थिंग्स टू अंडरस्टैंड देन आर वी लर्निंग दिस टू नो द बेसिक आई यू गोनो गेट एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन नो नो यू नॉट गोनो गेट इट ओके ये कुछ नहीं है ये बेस है ये बेसिक है इंट्रोडक्शन चल रहा है हमारा डू यू अंडरस्टैंड यस एंड दिस इंट्रोडक्शन चैप्टर इज देयर इन द मॉड्यूल ऑल्सो बट मॉड्यूल में इतना डिटेल में नहीं है मॉड्यूल में ऑर्डिनेंस के बारे में मेंशन नहीं है मॉड्यूल में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बारे में मेंशन नहीं है बट हमें समझना चाहिए कि कॉर्पोरेट कंपनी एक्ट बन रहा है तो वो एमसीए बना रहा है लेकिन इनकम टैक्स बन रहा है तो वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बना रहा है डू यू अंडरस्टैंड दैट यस नाउ ऑर्डिनेंस बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट मींस वॉट रे बाबा ये सो आशीष बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट मीन्स लोकसभा एंड राज्यसभा ओके ना एम नॉट गोट गो इन सिविक्स ऑर्डिनेस ये कौन करता है प्रेसिडेंट when when parliament is not in plus there is some emergency it is a part of आ नहीं एक मिनट नीचे लिख के देती इट्स अ पार्ट ऑफ द एक्ट इफ इट गेट्स अप्रूव बाय द पार्लियामेंट लेटर ठीक है इनकम टैक्स में ये ऑर्डिनेंस कब पास हुआ था एग्जाम्पल है 2019-2020 में कुछ बेनिफिट्स देने थे निर्मला सीतारामन जी को तो उन्होंने ऑर्डिनेंस पास करके एक बेनिफिट दिए थे कोविड के टाइम्स में शी वांटेड टू गिव अ बेनिफिट एंड जनरली बेनिफिट वगैरह होता है तो पार्लियामेंट उसको अप्रूव कर ही देता है ऐसा बहुत रेयरली होता है इट विल नॉट गेट अप्रूव्ड बजट बनाने के लिए सी ए की जरूरत होती है क्या ये कमिटी देर आर लॉर्ड ऑफ कमिटी में लोग होते हैं सी ए भी हो सकते हैं उस कमिटी में देर आर पीपल ऑफ डिफरेंट फील्ड इन दैट कमिटी अतुल गुड मॉर्निंग चलो अभी इधर आएंगे इनकम टैक्स हो गया एग्जाम्पल हाँ इट इट इज अ पार्ट इट इज अ पार्ट ऑफ द एक्ट एंड इट इज जनरली इट शुड बी अप्रूव्ड इट शुड बी अप्रूव्ड बाय द इट शुड बी अप्रूव्ड बाय

तो हम इसीलिए तो आपको गाइड देंगे ना वील गिव यू ऑल द गाइडेंस डन ये हो गया लिख के ऑर्डिनेंस समझ में आ गया ये बट वाई डिड आई एक्सप्लेन यू बिकॉज आई एम गोइंग टू टीच यू टू कॉन्सेप्ट फ्रॉम ऑर्डिनेंस कि यार ये ऑर्डिनेंस में पास हुआ था तब आपको पता ना ऑर्डिनेंस वॉज पास इन एमरजेंसी लेटर ऑन इट गॉट अप्रूव बाय द पार्लियामेंट डिड यू अंडरस्टैंड दिस यस ओके आगे जाएंगे You want to write history? Now, history of tax. 1857 May revolt in India. Even on this history of tax, are you going to get any questions? No. नो क्वेश्चन विल बी आस्क बट जस्ट यू शुड नो बेटा हिस्ट्री में बीच बीच में बहुत सी चीजें हुई है जैसे नाइनटीन नाइनटीन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एक्ट बनाया फिर एक और एक बॉडी बनी बट यू डोंट हैव टू गो इन टू ऑल दैट यू वॉट जो आपको टैक्स से रेलिवेंट है वो मैं बता रही हूँ ठीक है रिवोल्ट इन इंडिया इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड फॉर फाइव इयर्स इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज फॉर फाइव इज एज रेवेन्यू टैक्स क्या नाम से इंट्रोड्यूस किया गया था रेवेन्यू टैक्स से फिर इनकम टैक्स एक्ट बना नाइनटीन ट्वेंटी टू का अफकोर्स डू यू थिंक हम नाइनटीन ट्वेंटी टू के एक्ट को कंटिन्यू करते क्या नहीं मैम तभी British Parliament. Indian government was not there that time. 1947 we got independence. So 1961 ka income tax act. It gets amended every year. It gets amended every year. Yes, better. सेम ही रहता है सेक्शन एवरीथिंग डेटा इज द सेम जैसे रहेगा कि टैक्स का रेट टेन परसेंट मान लो तो टेन परसेंट की जगह पे बारह कर देंगे अब रेट क्या बन गया बारह अगली बार उनको करना नहीं फिर से टेन तो देल से नहीं अभी फिर से क्या हो गया टेन ऐसा सो so, जो लेटेस्ट है उसी को करते इट गेट्स अमेंडेड एवरी ईयर इज दैट ओके ओके सो ये नहीं कोई भी नहीं नो ईयर ओके सो इट गेट्स अमेंडेड एवरी ईयर इज दैट क्लियर टू एवरीबडी सो आज अभी क्या क्या सीखा चलो तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 तो फटाफट फड़ मुझे बताओ इनकम टैक्स इट्स अ टैक्स ऑन इनकम टैक्स इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड टैक्सो इट मीन्स रेट ऑफ टैक्स एक्ट में देर कैन बी एक्ट देर कैन बी ऑर्डिनेंस

हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट में वोटिंग होगा मेजोरिटी से वो पास किया जाएगा उसके बाद प्रेसिडेंट विल साइन इट एंड इट बिकमर टू एवरीबडी यस क्या हम नाइनटीन सिक्सटी वन का जो पुराना टैक्स है वो पढ़ते हैं नहीं मैम ये हर साल अमेंड होता है तो जो लेटेस्ट है फाइनेंस एक्ट ट्वेंटी टू यस फाइनेंस एक्ट ट्वेंटी टू

सिलेबस न्यू फा तो मैं जो आपको पढ़ाऊंगी बुक्स जो आपको मिलेंगी सब अमेंडेड मिलेंगी और नया वाला ही एक्ट हम पढ़ने वाले हैं इज दट ओके विद एवरीबडी यस ऑल राइट अब मुझे एक चीज बताना अगर बेटा मुझे एक्ट के बारे में जैसे मॉड्यूल आईसीआई का स्टडी मटीरियल पढ़ना है एग्जाम के लिए आई हैस्ट है स्टडी मटीरियल और द मॉड्यूल नो आईसीआई कम्सअप वित रिविजन टेस्ट पेपर्स मॉक टेस्ट पेपर अमेंडमेंट अपडेट्स देते हैं वो स्टैचूटरी अपडेट तो बहुत सारी चीज़ें होती है वैसे बेटा अगर मुझे इनकम टैक्स के बारे में पढ़ना है किसके बारे में पढ़ना है इनकम आगा आगा टैक्स के बारे में सो डू आई हैव टू जस्ट स्टडी द इनकम टैक्स एक्ट नो देर आर रूल्स देर आर सर्कुलर्स देयर आर नोटिफिकेशन क्या होते हैं देर आर रूल्स देर आर सर्कुलर सर्कुलर्स एंड देर आर नोटिफिकेशन नॉट टेल मी वन थिंग सी इफ आई एम टीचिंग यू टैक्स इन क्लास एंड आई टेल यू की बुक्स अवेलेबल है ऑफिस में आप जाके बुक्स ले सकते हो क्या मैं आके वहां पे बुक्स देने वाली हूँ आपको दे। कौन देने वाला है ऑफिस स्टाफ सो एडमिनिस्ट्रेशन काम करने के लिए कोई अलग होता है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या निर्मला सीतारामन जी बैठ के एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करेंगे so, काम देखने के लिए भी इनकम टैक्स ने एक बॉडी बनाई है एक कमिटी बनाई है एक बोर्ड बनाया है एक कमिटी बनाई है और उस कमिटी को हम बोर्ड बोलते हैं ओके सो इनकम टैक्स ने क्या बनाया एक कमिटी बनाई है एक बोर्ड बनाया विच विल लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट सो so, जैसे मुझे अभी सिस्टम नहीं पता है कि आपने यू नो you know, कौन से सब्जेक्ट्स फिर आपकी रिसीट लेंगे फिर वो आपको वहाँ पे स्टैम्प करके देंगे कि ये दो बुक्स इशूड है और पेंडिंग है तो ऑफिस स्टाफ अपने अपने हिसाब से थोड़े बहुत रूल्स बनाएगा कि यार एक बच्चा फिर से दो बार किताबें तो नहीं लेके जा रहा है या गलती से एक को दो चली गई उसको सेम बुक ही रामबाण उसको दो बार दे दिया उसको सारांश उस नहीं मिला कहीं तो कुछ तो ट्रैक और रिकॉर्ड होना चाहिए कि नहीं

को इंप्लीमेंट करने के लिए इनकम टैक्स रूल्स का होना जरूरी है जैसे एक्ट बोलेगा कि रिटर्न भरो क्या भरो रिटर्न रिटर्न के आठ फॉर्म्स होते हैं कितने फॉर्म्स है एट तो सैलरी लोगों ने रिटर्न वन भरना चाहिए बिजनेस वालों ने थ्री भरना चाहिए ऐसे अलग अलग फॉर्म्स होते हैं ये कौन डिसाइड करेगा रूल्स मैंने क्लास में बोल दिया ये बुक ले लो आपको लेक्चर्स के साथ ये सात बुक्स मिलने वाली है करेक्ट तो वो बुक्स के डिस्पैच के से रिलेटेड रूल्स कौन बनाएगा ऑफिस स्टाफ सो रूल्स का होना भी जरूरी है सब कुछ एक एक्ट में नहीं आ सकता सो एज यू हैव इनकम टैक्स एक्ट 1961 वी हैव इनकम टैक्स रूल्स 1962 सो वी हैव इनकम टैक्स एक्ट 1961 उसके बाद क्या है बेटा रूल्स आए इनकम टैक्स रूल्स 1962 सो so, अगर किसी को है ना ऐसा है कि मुझे ना एक्ट में एकदम मास्टरी करने का इनकम टैक्स में मैं क्या करूँ सो so, क्या क्या पढ़ना चाहिए सो so, हाँ मैम मैं इनकम टैक्स एक्ट पढ़ लूँ चलेगा आयल से हाँ चलेगा सिर्फ एक्ट है क्या मैम नहीं कल लेके आती हूँ एक्ट दिखाने के लिए तो आपको समझेगा कि एक्ट कितना है तो यू हैव एन इनकम टैक्स एक्ट उसके बाद है इनकम टैक्स रूल्स तो मैम अच्छा फिर साल में एक ही बार निर्मला सीतारामन जी हमसे कम्युनिकेट करती है नहीं ना उनको बीच बीच में भी कुछ नोटिफिकेशंस और क्लैरिफिकेशन देने होते हैं She gets a chance to communicate with you only once. How? Through the act. लेकिन बीच बीच में भी कुछ changes करने hote हैं ना जैसे आई exam postpone ने एग्जाम पोस्टपोन कर दी तो आप नहीं बोलते एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया क्या क्या बोलते हो आप नोटिफिकेशन जनरली एक्ट में बोला गया कि साल में दो बार हम लोग एग्जाम लेंगे एग्जाम की डेट ये होने वाली बट कोविड की वजह से चेंजेस हो रहे कि नहीं हाउ डज द आईसीआई कम्युनिकेट टू यू थ्रू नोटिफिकेशन इनकम so, टैक्स को भी अगर बीच में कुछ चेंजेस करने हैं तो वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे नोटिफिकेशन के थ्रू सो so, बेटा ऐसा नहीं होता कि इनकम टैक्स एक्ट माने सिर्फ एक्ट पढ़ लिया तो हो गया नो देर इज एक्ट देर आर रूल्स देर आर नोटिफिकेशन एंड देर आर सर्कुलर्स क्या क्या बोल रही हूं मैं इनकम टैक्स एक्ट इनकम टैक्स एक्ट इनकम टैक्स रूल्स नोटिफिकेशन उसके बाद और आखिरी में केस लॉज ये सब पढ़ने के बाद हमारा इनकम टैक्स कंप्लीट होता है सो यू हैव टू नो द एक्ट यू हैव टू नो द रूल्स यू हैव टू नो द नोटिफिकेशन यू हैव टू नो द सर्कुलर्स यू हैव टू नो द केस लॉज मैम ये है क्या अब बताती हूँ एक्ट आपको समझ में आ गया वॉट इज द इनकम टैक्स एक्ट इज द मेन प्रोविजन इट कंटेंट एक्ट क्या बोल रहा है कैसा है प्रोविजन क्या है ये सब एक्ट में होगा उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या बनाए जाएंगे रूल्स की यार बुक्स कैसे डिस्पैच करने ऑफिस स्टाफ ने डिसाइड कर लिया होगा की हाँ हम अभी लॉ की भी बुक आनी है तो टैक्स और लॉ की बुक्स इतनी साथ में दे देंगे फिर बाद में सारा जब आएगा तब वो दे देंगे सो दे डिसाइड समथिंग सो दीज आर द रूल्स टू इम्प्लीमेंट द एक्ट यू हैव टू मेक द रूल्स नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन सर्कुलर केस लॉस ये चेंजेस होते हैं ये क्या होते हैं बेटा चेंजेस होते हैं ना ये कौन कैसे इशू करता है उसको समझने के लिए पहले मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हम कौन सी मिनिस्ट्री से डील करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसका हेड कौन है फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर इज द हेड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आज हमारा फाइनेंस मिनिस्टर कौन है निर्मला सीतारामन शी इज द फाइनेंस मिनिस्टर बिलो द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट देर इज अवेन्यू डिपार्टमेंट रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम गवर्नमेंट का इनकम कहा से आता है टैक्सिस से रेवेन्यू डिपार्टमेंट देर इज एन एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अलग अलग काम होते हैं वी आर राइट नॉट कंसर्न विद रेवेन्यू डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का रेवेन्यू बेटा रेवेन्यू का मतलब क्या होता है इनकम आइयो रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम इनकम रेवेन्यू डिपार्टमेंट में दो यस इट इज वन देर इज डायरेक्ट टैक्स का होगा और दूसरा क्या होगा इनडायरेक्ट टैक्स ना डायरेक्ट टैक्स के लिए एक कमिटी बनाई गई कि बाबा डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड सारा एडमिनिस्ट्रेशन काम आप देख लो आई विल आई डोंट हैव द टाइम करेक्ट डायरेक्ट so, टैक्स के लिए एक कमिटी एक बोर्ड बनाया गया है विच इज कॉल्ड एस सी बी डी टी इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सो ऑल डायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड ये लोग काम देखते हैं करेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड आईसी ओ आई सी पहले सीबीईसी था सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स अब क्या बन गया सीबीआईसी जीएसटी आने के बाद इट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम समझ में आ रहा है सो डायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड सारा एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट कौन देखेगा सीबीडी इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड सारा एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखेगा सीबीआईसी पार्ट फर्स्ट इसको क्या बोलते पता है क्या Hierarchy. What is this? Hierarchy. Who comes under whom? Finance, Ministry of Finance, Finance Minister, various departments. So there's an expenditure department. Yes, better. I don't know the switch also. You can come and try. It should be the first. एकच चालू आहे मी फर्स्ट अँड लास्ट टाइम करणार आहे ह्याच्यापुढे मी कधी करणार नाही आहे इज दॅट ओके हां ह्याच्या पुढे इफ एनिबडी इट यू आर फ्री डोंट डिस्टर्ब जस्ट कम स्विच इट ऑफ अँड गो बॅक डोंट इवन से एनिथिंग इज दॅट क्लिअर येस आय एम नेवर एव्हर गोन टू डू दिस अगेन या ओके डन आहे क्या लिखी हो गया? लिखो ना फिर हां

येस सो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन डायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स अनादर ट्वेंटी मिनट्स एंड देन विल भी टेकिंग अ ब्रेक ओके यस नाव लेट इस अंडरस्टैंड ओके यहाँ पे मैं थोड़ा सा नोट्स में से पढ़ के लेती हूँ आपके पास नहीं है मुझे पता है मैं मार्किंग करके रखती हूँ अभी तो कल हम लोग वहीं से मार्किंग कर लेंगे जब आपके पास बुक्स आ जाएंगे तब आपको पता एक्ट में है कितने सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट है <laughs> क्या ये स्कैम लाइफ इज फुल्स या सो दिस इजर स्कैम दिन ओनली टू नाइनटी एट बस सो टू नाइनटी एट सेक्शन सब सेक्शन तो जाने दो बेटा मैं तो सब सेक्शन बोल ही नहीं रही हूँ वो तो कहीं काउंट कहीं नहीं कर रहे अपन अपन बात कर रहे सिर्फ सेक्शन की एंड लगभग अगर आप काउंटिंग करने जाओ तो सेक्शन से ज्यादा है सो so, अराउंड के ऊपर सेक्शन पकड़ लो आप कितने सेक्शन है सिक्स हंड्रेड प्लस सेक्शन कैसे मैम ऐसे कैसा तू एक्ट देखोगे तो 298 है आखिरी लास्ट सेक्शन क्या है 298 ऐसे कैसे है मैम आई टेल यू सेक्शन 44 फोर देखना कितना है एंड दिस इट स्टिल गोज ऑन काउंट करते वक्त इसको कितना काउंट किया जाएगा एक 44 फोर क्या काउंट करेंगे है कितने अभी तक पूरी भी नहीं लिखी मैंने लिस्ट ये जो आप पढ़ने वाले इसलिए ये मैंने लिखे फोर्टी फोर ए बी ए डी एम टीच सेक्शन ए टी सी सी डी ए टी सी सी ई ए टी डी ए टी डी डी एटी डी डी बी एटी ई ए, ए मैं मेरे मन से कुछ नहीं लिख रही हूँ <laughs> ये एक्ट में मैं ऐसे नहीं कि मेरे को पसंद आ गया ये e, लिख रही हूँ सी लिख रही हूँ मैम ऐसे बोल रही नहीं ये सच्ची में है सेक्शन यू कैन ओपन द एक्ट एंड सी मैं मेरे मन से नहीं लिख रही हूँ ए बी सी कहीं भी सी सी ई ए नो दीज आर द सेक्शन देयर इन योर एक्ट सो इसको काउंट किया जाएगा एज ओनली वन सेक्शन आइयो इसको काउंट करेंगे कैसे एज ओनली वन सेक्शन समझ में आ रहा है तो इनकम टैक्स में कितने सेक्शन है 298 एग्जाम में पूछेंगे तो 298 ही बोलना एग्जाम में पूछेंगे तो कितना बोलना 298 नाइनटी एट बट हमें पता है ये हमारे साथ धोखा हुआ है स्कैम हुआ है इट्स नॉट 298 नाइनटी एट इट इज मोर देन सिक्स हंड्रेड सेक्शन ओके फिर भी एक स्टूडेंट था वो बोला मैम आई वॉन्ट टू एकदम डू मास्टरी इन इनकम टैक्स वॉट शुड आई डू आई सेट गो एंड रीड द बैर एक्ट बैर एक्ट मतलब एक्ट ओरिजिनल जैसा होता है वैसा उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी हटके होती है तो उन्हें उसको बोला यार कुछ नहीं बैर एक्ट पढ़ ले तो ई सेट मैम कितने सेक्शन है मैंने तो देखा टू नाइनटी एट है हाँ टू नाइनटी एट है तो बोला मैं ऐसा कर रोज एक सेक्शन पढ़ता हूँ तो साल भर में हो जाएगा तो अफकोर्स साल भर तो नहीं लगेगा साल भर से ज्यादा लगेगा ये आपको एक से ज्यादा सेक्शन पढ़ना पड़ेगा तो ही स्टार्टेड ही ओपन वन सेक्शन ही स्टार्टेड रीडिंग तो आया सेक्शन फिर सब सेक्शन प्रोवाइडेड दैट फर्दर प्रोवाइडेड दैट ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट देन एक्सप्लेनेशन वन देन एक्सप्लेनेशन टू एक्सप्लेनेशन थ्री सो ऑन आइटम नंबर वन आइटम नंबर टू क्लॉज वन सब क्लॉज वन पढ़ लिया बेचारा एकदम डिसाइड करके और आखिरी में एक सेंटेंस दिस सेक्शन हैज बीन डिलीटेड तो उसने बोला मैंने बोला बेटा आखिरी वाली लाइन अब सबसे पहले पढ़ना देखना वो सेक्शन है या नहीं है सो व्हेन यू गो टू रीड अ सेक्शन

विदाउट प्रॉपर ब्रेकअप विदाउट एन इंडेक्स डू यू अंडरस्टैंड कहाँ ढूंढोगे आपको पता चलेगा क्या बेटा नहीं पता चलेगा ना तो इसलिए उसको प्रॉपरली डिवाइड करते हैं तो सेक्शन इज अ प्रॉपर डिविजन ऑफ अ प्रोविजन तो एक एक सेक्शन नंबर होता है कैसे उसको ढूंढना है एक्ट में कल मैं एक्ट लेके आती हूँ तो आपको दिखाऊंगी कि आप ब्रेक में भी आके यहाँ पे एक्ट में थोड़े दिन रखूंगी तो आप देख लेना कि आ, हमें अगर एक पर्टिकुलर सेक्शन देखना है तो वो कैसे हम ढूंढ सकते हैं एक्ट में से सो so, बेटा जब ये सेक्शंस होते हैं इन सेक्शन के नीचे होता है ये आपने लॉ में भी देखा होगा फाउंडेशन में भी देखा होगा सब सेक्शन के नीचे क्लॉज करेक्ट सो यू हैव अ सेक्शन आइडियली बुक्स में नहीं दिया सब क्लॉज के नीचे होता है आइटम आइटम नंबर्स

डे यू अंडरस्टैंड किसी भी एक्ट में अगर कोई एक रूल है तो उसके एक्सेप्शन पास अगेन स्कैम यू गेट फोर्टी इन ऑल द फोर पेपर एंड यू टेल दी फोर्टी फोर्टी वन सिक्सटी देन इट इज ए नो यू नीट टू Get an aggregate also. So every place can have x's other rules. Ya yeah, rule ka ko exception. Ha. bol deya, You get forty and you clear. However, provided that yes, there's a proviso that if your aggregate is not 200, you are not passed. तो बेटा इस टाइप से एक्ट होते हैं तो जिस दिन ये आप समझ लोगे ना आपकी और मेरी लाइफ आसान हो जाएगी क्योंकि आपको समझना है हम एक्ट पढ़ रहे हैं यहाँ एक्सेप्शन होने वाले हैं उसके प्रोवाइजोज होने वाले हैं सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू देर आर टू नाइन एट सेक्शन फाइन सेक्शन के नीचे होता है सब सेक्शन अ क्लॉज एंड देर इज अ सब क्लॉज नाउ व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऐसे नहीं खत्म होता है इसके साथ आता है प्रोवाइजो provided that, provided further that, provided also that, there's a section which has 23 provisos in income tax. section 8. exceptions 23. so, sna, mma, mra, x section, partha, pardo, parlo. ha? तो आपको प्रोवाइडेड दैट ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट फर्दर प्रोवाइडेड दैट एंड देन देर आर क्लैरिफिकेशन ऑल्सो क्या होते हैं आर माने एक्सप्लेनेशन 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 इज एन भी होता है सो so, मुझे अभी आपको दो चीजें बतानी है आई स्टॉप दैट नोटिफिकेशन वो वाला एक पार्ट और ये वाला एक पार्ट सो so, ये दो पार्ट है एंड देन आई डू अ लिटिल बिट ऑफ आज ही कर दू क्या नेक्स्ट इसमें मैं टैक्स और टैक्स स्लैब्स थोड़े बता दू क्या थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाएगा सेकेंड मतलब ब्रेक के बाद वाले सेशन में करे क्या फिर ऐसा होगा कि पूरा थ्योरी आज नहीं होगा फिर अगेन थोड़ा थ्योरी कर लूंगी थोड़ा प्रैक्टिकल कर लूंगी तो देन द लेक्चर विल बी इन थ्योरी प्रैक्टिकल थ्योरी प्रैक्टिकल चलेगा हाँ तो पूरा चैप्टर च्थ में पूरा कंप्लीट करूंगी लेकिन सारा थ्योरी एट वन स्ट्रेच नहीं लूंगी इज दैट ओके ओके नाउ लिस्टन प्रोवाइज एक्सप्लेनेशन नाउ 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 कौन है यहाँ पे कोई किसी स्टूडेंट का नाम लेते हैं कौन है रही यहाँ पे किसी बच्चे लड़के का नाम क्या है क्या नाम है रे तेरा कुंदन क्या के के <laughs> भारी एग्जाम्पल है सो <laughs> so ये जो के के है ये पूना पहुंचा है आ गया पूना कहाँ से आया तू पंजाब, पंजाब से अरे वाह सो इज कम फ्रॉम पंजाब ही इज कम हियर एंड नाउ ही वॉन्ट्स टू टेक हिज फ्रेंड फॉर डोमिनोज पिज्जा उसको लेके जाने का है उसने एड देखा यहाँ पे आते से बाय वन गेट वन फ्री यार अदरवाइज तो एकदम पॉकेट मनी है और उतने ही पैसे रहते हैं कैसे करेंगे अभी ये ऑफर आ गया बाय वन गेट वन फ्री तो चमेली को लेके जाते सो <laughs> so, ने चमेली को कॉल किया क्या बोला देर इज बाय वन गेट वन फ्री ओके सो डोमिनोज का ऑफर दिखा उसने और उसने बोला यार बाय वन गेट वन फ्री है चमेली अपन आज फ्राइडे इवनिंग लेट्स गो एंड वील हैव अ पिज्जा तो गया वो वहां पे कहां पे डोमिनोज उधर जाने के बाद वो वाउचर लेके गया ये देखो ये आपका स्कीम है बाय वन गेट वन फ्री yeah. हाँ सो आवर लाइफ इज ऑलवेज फुल ऑफ स्कैम और स्कैम होता है तो डरने का नहीं तब क्या बोलने का मज्जा द डे यू फील एवरी थिंग इज गोइंग आज आपके हिसाब से कुछ नहीं चल चल रहा है तो उस दिन क्या बोलने का मज्जा द डे यू फील यार आज तो एकदम वर्स्ट डे ऐसा नहीं बोलने का क्या बोलने का मजा मम्मी ने फोन किया और बोला कि कैसा चल रहा है खाना कैसा है मज्जा एकदम बेस्ट है सब कुछ अच्छा चल रहा है है ना यस yes. कपड़े भी धोने पड़ेंगे अभी रुक जाओ जरा पिक्चर अभी बाकी है तुम्हारा मज्जा अभी बाकी है ऑल <laughs> राइट नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सो कुंदन जो है ये कहाँ पहुंचा रहे डोमिनोज क्या ऑफर था रे उधर बाय वन गेट वन फ्री तो किसको लेके गया चमेली चमेली को लेके गया डोमिनोज ठीक है उधर जाता है तो क्या हुआ स्कैम बोलते नहीं है यार बोलते सर एस्ट्रिक मार्क देखो नीचे देखो पढ़ो आप अप्लाई दिस ऑफर इज वैलिड ओनली ऑन वीकेंड नॉट सॉरी सॉरी उल्टा करेंगे ऐसा नहीं जनरली यू यूर गो ऑन अटरडे फ्राइडे वो क्लासेज है संडे को ही गया बेचारा संडे के दिन शाम को ही छुट्टी मिली उसको सी ए कर रहा है वो तो ही इज बिजी अटेंडिंग ही वेंट विथ चमेली ऑन संडे बाद में बताना चमेली कौन है हमको <laughs> हाँ वेंट ऑन संडे एंड स्कैम ही सॉरी सर दिस ऑफर इज नॉट वैलिड ऑन अ वीक दिया है वो बोलते क्या यार ये या, किधर दिया था उधर एक एस्ट्रिक मार्के छोटा सा और वहां दिया है कि दिस ऑफर इज नॉट वैलिड ऑन ऑन अ वीकेंड ये हो गया प्रोवाइजो रूल है बाय वन गेट वन फ्री है हाउ एवल बाय वन गेट वन फ्री इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द वीकेंड दिस इज द एक्सेप्शन तुम ऐसे जा जाके झगड़ा नहीं कर सकते नहीं नहीं आपने बोला था वन, गेट वन फ्री अरे आप उसके नीचे भी तो पढ़ो प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड यू विजिट डोमिनोज ओनली ऑन अ क्यों संडे को गया तू हाँ अब वो चमेली हो गई नाराज बोलता है नहीं यार चमेली अपन कल जाएंगे कल मंडे है ना मैं कॉस्टिंग के क्लास के बाद आता हूं तो अपन जाएंगे तो वो चमेली को कब लेके गया मंडे उधर जाने के बाद दो पिज्जा ऑर्डर किए बाई वन गेट वन फ्री है एक जो ऑर्डर किया वो फोर हंड्रेड एंड टेन रुपीज का था दूसरा जो पिज्जा ऑर्डर किया वो सिक्स हंड्रेड एंड ट्वेंटी का था ओके वो लेके क्या पांच सौ रुपए बाय वन गेट वन फ्री अब इन बिल कितने का आएगा <laughs> कितने का आएगा क्यू रे बिकॉज देर वॉज ए एक्सप्लेनेशन गिवन बिलो ये ऑफर के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन दी थी सब अच्छे से नेक्स्ट टाइम उसको बोलना पूरा सेक्शन अच्छे से पढ़ने का सिर्फ सेक्शन नहीं प्रोवाइज हो एक्सप्लेनेशन सब पढ़ के जाने का और लास्ट में देखने का ओमिटेड है कि नहीं ओके okay, सो so वो पढ़ा नहीं उसने एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन सेज द प्राइज पिजा विल बी फ्री तो उसको बिल कितना आया सिक्स ट्वेंटी उसने कितनी कैश लेके गया था अभी 120 उसने फ्रेंड को बोल दिया यार प्लीज अभी चमेली और नाराज हो जाएगी तो गूगल पे कर दे मैं बाद में तेरे को दे दूंगा है ना तो दिस इज एन एक्सप्लेनेशन व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन विच टेल्स यू मोर अबाउट द सेक्शन एंड व्हाट इज अ प्रोवाइजो विच गिव्स यू एन एक्सेप्शन एक्सेप्शन अच्छा ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ चुका है व्हाट इज अ प्रोवाइजो एंड वॉट इज एक्सप्लेनेशन ये मुद्दे की बात है ठीक है तो प्रोवाइजो और एक्सप्लेनेशन प्रोवाइजो इज एन एक्सेप्शन कि यार तुम झगड़ा नहीं कर सकते एक्ट को नहीं गवर्नमेंट को नहीं बोल सकते डोमिनोज को नहीं बोल सकते देखो लिखा है ना बाय वन वन गेट वन फ्री तो फ्राइडे संडे को आया तो क्यों नहीं दे रहा है बोलेगा उसके नीचे पढ़ो क्या लिखा है नहीं मिलेगा ये ऑफर प्रोवाइजो है हाँ और बिल मेरा छ सौ बीस क्यों आया चार सो दस ही आना चाहिए था एक्सप्लेनेशन दिया था द लोअर प्राइस पिज्जा विल बी फ्री डू यू अंडरस्टैंड दैट यस सो जब भी आप सेक्शन पढ़ो बेटा जब भी ऐसे स्कीम्स देखो स्कैम ना हो उसी तरीके से आपका भी इनकम टैक्स के सेक्शंस पढ़ते वक्त दिक्कत ना हो इसलिए आपने क्या अच्छे से पढ़ना चाहिए सेक्शन सब सेक्शन क्लॉज सब क्लॉज प्रोवाइजोस एक्सप्लेनेशन और प्रोवाइजोर एक ही नहीं होता मैम ये प्रोवाइजोर कैसा पता चलता है प्रोवाइडेड दैट प्रोवाइडेड फर्दर दैट प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट प्रोवाइडेड ऑल्सो दट डेट की मतलब होता है एक्सेप्शन और एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है क्लैरिफिकेशन मतलब क्या होता है क्लैरिफिकेशन समझ में आ रहा है क्या सबको yeah. पक्का यस और ओके विथ दिस यस सो ये इतना इतना पार्ट आप पहले लिख के लो एंड देन विल टेक अ ब्रेक जीएसटी वाला टैक्स वाला कैलकुलेटर एग्जाम में नहीं चलता बेटा का है? अच्छा ठीक है ओके okay. तो ये हो गया तुम्हारा क्या तुम्हारा लिख के क्या अभी ब्रेक चाहिए क्या क्या करने वाले हो तुम ब्रेक में खाना खाने नाश्ता करने वाले हो नहीं <laughs> बस ब्रेक चाहिए ठीक है नाउ एग्जैक्टली exactly, एक मिनट इट्स हाउ मच राइट नाउ नाइन फिफ्टी टू सो एट मिनट्स ब्रेक Ma'am, Bara, Firdas, Firat. I told you now your life is. <laughs> Alright, so take a break, 10 minutes break, okay? So I'll meet you in 10 minutes. Come fast. अमर एसी क्या करने का है तुमको बहुत ठंडा हो गया है टेम्परेचर वाड़ो कुछ गए लम्बी आज कड़े होता ही था सगी कड़ से टेम्परेचर वाड़ो ओके सो आई यू गाइस बैक फ्रॉम द ब्रेक क्लैप योर हैंड्स एंड गेट चार्ज फॉर द सेशन कमांड लाउडली हो जाते हमें पता भी नहीं चलता सो ऑलमोस्ट टू आवर्सरेडी डन ऑनस्ट सेशन ऑफ वन आवर यस सो ना लेट्स अंडरस्टैंड पता नहीं मुझे मैं टैक्स के रेट सिखाऊंगी या नहीं आज के लेक्चर में थोड़ा सा मुझे थ्योरी ऐसा लग रहा है एक हाथ दो कॉन्सेप्ट है और मैंने करने चाहिए और फिर शायद कल मैं आपको Uh, कल पक्का प्रॉमिस कल करूँगी वैसे भी यू नो आर लाइफ इज फुल ऑफ स्कैम सो आई एम गोइंग टू मे बी टीच यू द टैक्स रेट्स टुमारो आज थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेंगे थोड़ा सा और थ्योरी कर लेंगे एंड देन वी विल बी गुड टू गो फॉर टुमारो ठीक है ना तो पहले तो uh, हम लोग नोट कर लेते हैं बेटा अबाउट नोटिफिकेशन सर्कुलर और ये सब हम नोट करते हैं ठीक है तो वील गेट एन आइडिया अबाउट दैट राइट डाउन बिकॉज यू डोट है मैंने अभी वही स्टाफ को भेजा है बुक सेक्शन दैट प्लीज गिव दम दुकान सो दैट वी आर ऑल रेडी टू मार्क इन आर बुक्स फ्रॉम टूमारोज क्लास येस ओके ना आपको डिस्पैच होने में टाइम लगेगा प्लीज लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट आपको सॉफ्ट कॉपी दी गई है हेमंत सॉफ्ट कॉपी आ है ना डिस्क्रिप्शन मध्य हाँ तो सॉफ्ट कॉपी आपको दी गई है डिस्क्रिप्शन में तो यू प्लीज नोट दिस सॉफ्ट कॉपी एंड वो देख के आप ट्राई एंड अंडरस्टैंड वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू एंड देन वेन योर बुक्स कम यू कैन एक्चुअली डू द मार्किंग इन द बुक्स राइट सो हियर वी आर बेटा ये है कि कॉम्पोनेट्स ऑफ इनकम टैक्स की अगर मुझे इनकम टैक्स के बारे में पढ़ना है किसके बारे में पढ़ना है इनकम टैक्स के बारे में तो बेटा इनकम टैक्स के बारे में पढ़ने के लिए हेमंत थोड़ा वे तुम्हें क्या है करा न? इनकम टैक्स के बारे में पढ़ने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा इनकम टैक्स एक्ट और क्या पढ़ना पड़ेगा फाइनेंस एक्ट ये कब फाइनेंस एक्ट क्या होता है मैम वही जो हर साल चेंज होता है मैम ये वही है जिसने हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम की है और हमें टैक्स सीए बनने के बाद भी हर साल पढ़ना पड़ेगा डू यू अंडरस्टैंड दैट यस सो दिस इज दैट फाइनेंस एक्ट और क्या है देखो उसके आगे क्या लिखा है बेटा इनकम टैक्स रूल्स फिर आते सर्कुलर, फिर आते क्या है नोटिफिकेशन एंड देन वील हैर्क्यूलर नोटिफिकेशन एंड लीगल केस लीगल डिसीजन क्या होते हैं केस लॉज, केस लॉज क्या होते हैं जजमेंट्स क्या होते हैं हा सम जब आपके बीच में डिस्प्यूट होता है यहां डिस्प्यूट किसके बीच में होगा इनकम टैक्स ऑफिसर और हमारे बीच में हम एक टीम में नहीं हैं एस एस सी अलग टीम में डिपार्टमेंट अलग टीम में सी ए ट्राई एंड बी इन एस एस सी इज योर क्लाइंट यू हैव टू बी विद द क्लाइंट एडवाइज हिम इन वेज दैट यू डोंट हैव इश्यूज एंड प्रॉब्लम विथ इनकम टैक्स एडवाइज हिम प्रॉपरली एंड देन इट्स अ व्हेरी गुड पोझिशन ओके सो हिअर अंडरस्टँड की काय हां हो का मग आज नाही होणार का ते अच्छा ठीक आहे हे चालू आहे ना लेक्चर स्ट्रीमिंग ऑन आहे ना मग मला उद्या करून द्याल ते ठीक आहे ओके नाव अज अंडरस्टँड इन्कम टॅक्स फायनान्स ॲक्ट रूल्स नोटिफिकेशन सर्कुलर्स और केस लॉज तो होता क्या ना बेटा हम जो टैक्स पेयर होता है ना इनकम टैक्स में टैक्स पेयर को असेसी बोला जाता है क्या बोला जाता है असेसी टैक्स पेयर इज कॉल्ड एज असेसी एंड एओ इनकम टैक्स ऑफिसर इज कॉल्ड एज एओ क्या बोलते हैं इसको एओ एओ मंजे असेसिंग ऑफिसर एओ मतलब असेसिंग ऑफिसर एओ इज द इनकम टैक्स ऑफिसर असेसी इज द टैक्स पेयर असेसी और माने टैक्स पेयर और, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बीच में जब डिस्प्यूट होता है मैम डिस्प्यूट क्यों होता है इंटरप्रिटेशन की वजह से एक्ट में दिए गए प्रोविजन को हम अलग तरीके से इंटरप्रिट करते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर अलग तरीके से इंटरप्रिट करता है राइट मेनी टाइम्स वेर आर लॉट ऑफ प्रैक्टिकल सिचुएशन जो हमने सोची भी नहीं होंगे इस टाइप का सिचुएशन अराइज हो जाता है और वो एक्ट में होता नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं सेक्शन से पढ़ के कैसे अप्लाई करना है खुद से सोचना पड़ता है तो उसमें व्यूज अलग अलग आ सकते हैं तो वेयर डू वी गो टू रिजोल्व व्हेन यू गो टू द कोर्ट यू कान डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट अ लैडर यू कान गो टू द सुप्रीम कोर्ट डिरेक्टली राइट पहले हम जाते हैं एपिलेट ट्राइब्यूनल उसके बाद हाई कोर्ट उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एंड वंस यू गो टू सुप्रीम कोर्ट Whatever judgment Supreme Court gives, it becomes the it is the law of the land. It becomes the law of the land. Jobi verdict Supreme Court. Dega Jobi judgment Supreme Court Dega was subcuper binding and it is compulsory. So income tax is incomplete without these case laws and judgments. So again, you get books where you can read about these case laws and these judgments. Luckily, फॉर सी इंटरमीडिएट आपको केस लॉस एप्लीकेबल नहीं है हार्डली इन योर मॉड्यूल ओनली थ्री केसेस आर गिवन व्हिच आई विल बी कवरिंग अपर आर ओनली थ्री केसेस गिवन व्हिच आई विल बी कवरिंग अपन इंटरमीजिएट इनल यूलॉट ऑफ केस लॉस वेन आई एम सिटिंग इन माई ऑफिस बिलीव मी हाफ ऑफ द टाइम आई एम रेफरिंग टू केस लॉस बिकॉज प्रैक्टिकल सिचुएशन अलग अलग होता है अच्छा इस केस में अब ऐसा कुछ अलग हो गया तो क्या करना है राइट सो देन यू हैव टू सी केस सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है क्या क्या सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ने सो दैट इज वाई वी केस लॉस नाउ थिंग अच्छा अगर मुंबई कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिया किसने हाईकोर्ट कौन से कोर्ट ने डिसीजन दिया मुंबई बेटा ये कहां अप्लाई करेगा महाराष्ट्र ट विल नॉट अप्लाई टू होल ऑफ इंडिया विल इट अप्लाई टू होल ऑफ इंडिया नो इट विनली टू महाराष्ट्र जिस भी स्टेट का हाईकोर्ट डिसीजन देता है इट अप्लाईज ओनली टू दैट पर्टिकुलर स्टेट इट डज नॉट अप्लाई टू द होल कंट्री तो जरूरी नहीं है हाईकोर्ट का डिसीजन होगा तो ये मत समझना महाराष्ट्र में एक हाईकोर्ट ने ऐसा जजमेंट दे दिया शायद गुजरात भी मान ले वैसा ही दे दे शायद हो सकता है नॉट नेसेसरी कभी कभी एक ही सिचुएशन में मुंबई हाई कोर्ट का जजमेंट अलग हो सकता है दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट अलग हो सकता है ठीक है इट इज नॉट बाइंडिंग बिकॉज मुंबई का जजमेंट विल बी बाइंडिंग ओनली ऑन महाराष्ट्र सो हाई कोर्ट का जजमेंट अप्लाइज ओनली टू दैट पर्टिकुलर स्टेट बट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बिकम्स द लॉ ऑफ द लैंड इट अप्लाइज टू होल ऑफ द कंट्री एंड देर इज नथिंग अबाउट दैट Is that clear? And then there is nothing about that. All right. Now Income Tax Act, Income Tax Act 1961. Oh my God! क्या हम पुराना Income Tax Act पढ़ रहे? No, ma'am ये हर self finance act में amend अमें होता है। ये applicable हुआ first April 1962 से। Correct. इसमें कितने sections हैं? 298 एक्ट में सेक्शन होते हैं शेड्यूल्स होते हैं और एनेक्श भी होते हैं जब एक्ट आता है आर आर शेड्यूल्स 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 मतलब कुछ फॉर्मेट्स होते हैं कि ये इस टाइप से बनाना चाहिए कुछ फॉर्म्स होते हैं कुछ एडिशनल चीजें जो मुझे आपको बतानी है अटैचमेंट्स ओके सो दीज आर एडिशनल थिंग्स दैट आई वॉन्ट टू टेल यू सो देर आर फोर्टीन शेड्यूल्स शेड्यूल्स के बाद भी क्या होते हैं क्या होता है एनेक्शर्स एनेक्शर्स में जैसे ऐसे दिया आपको पैन कार्ड एवरीबडी आई टोल्ड यू ना इनकम टैक्स डजेंट नो यू बाई योर नेम इट नोज यू बाई योर पैन आधार सो अफकोर्स सम स्टेट्स आधार इज नॉट एप्लीकेबल फ्यू स्टेट्स हैव बीन एग्जामड अभी स्टार्ट करेंगे जम्मू कश्मीर यू नो आसाम मेघालय वहाँ पर बहुत रेफ्यूजीज है तो आधार देना या नहीं देना वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट यू कैन जस्ट इश्यू इट लाइक दैट सो हर रूल का कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होता है हर रूल का कोई ना कोई एक्सेप्शन होता है ना अंडरस्टैंड एनेक्शर्स होता है तो एक्ट मतलब क्या एक्ट मतलब 298 सेक्शंस, 14 शेड्यूल्स एंड एनेक्श सेक्शन के नीचे सब सेक्शन क्लॉज सब क्लॉज

नहीं यू हैव टू रीड द प्रोवाइजर यू हैव टू रीड द एक्सप्लेनेशन द स्टेक दैट इज इन्वॉल्व इज क्वाइट अ लॉट यूर डीलिंग विद समबड़ी एल्स इज मनी वॉट एवर यू डू यू हैव टू डू इट वेरी वेरी केयरफुली तो ऐसा नहीं ऊपर ऊपर से सेक्शन पढ़ लिया और आपके मन में जो आया फिर आपने बोल दिया ऐसा नहीं चलेगा तो एक्ट में कितने सेक्शंस है 298 सेक्शंस हाउ मेनी शेड्यूल्स And then there are some annexures. Now annexures की बात कर रही थी जैसे अगर पैन के कार्ड के लिए आपको अप्लाई करना है तो इट विल टेल यू द फीज इनकम टैक्स विल टेक सम फीस फ्राम यू सो समी सी वेरी नॉमिनल हंड्रेड रुपीज के अंदर हो जाता है पैन के एप्लीकेशन सो आई शुड नो दैट मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है इनकम टैक्स को कितनी फी देनी पड़ती है तो ये फीस जो है ये एनेक्शन में दिए गए हैं और भी कुछ चीजें हैं जो एनेक्शर में दिए गए हैं सो यू हैव एन एक्ट देन यू हैव द सेक्शंस देन यू हैव द एंड देन यू हैव दशर्स सो ये एक्ट पूरा पढ़ने का अफकोर्स देन देर अ फाइनेंस एक्ट यू नो देर इज अ बिल विच इज अप्रूव बाय द पार्लियामेंट एंड देन वन द प्रेसिडेंट साइंस इट इट बिकम्स द एक्ट दिस हैपन्स एवरी ईयर एक फरवरी को हर साल बजट रीड आउट किया जाता है रीड करने के बाद जनरली मार्च या अप्रैल तक कभी कभी आजकल बहुत एक्सपीडाइट हो गया है फास्ट हो जाता है मार्च में या अप्रैल में ही द एक्ट इज पास्ट इनकम टैक्स रूल्स रूल्स बनाते हैं सी बी डी टी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ओके शेड्यूल्स क्या होते हैं वैभवी शेड्यूल्स आर एडिशनल uh, थिंग्स जैसे एनेक्शन फॉर्मैट्स होते हैं सो दिस इज समथिंग मोर इन डिटेल वेर सम थिंग्स आई हैव टू गिव यू इन डिटेल लाइक इंश्योरेंस कंपनी की वर्किंग एक अलग तरीके से की जाती है इंश्योरेंस कंपनी तो इसके लिए उनका क्या दिया जाता है एक शेड्यूल है एक उनके लिए फॉर्मैट्स है सो शेड्यूल्स आर सम एडिशनल फॉर्मैट्स वॉट आर शेड्यूल्स एडिशनल फॉर्मैट्स और डिटेल्ड वर्किंग फॉर सम अदर यू नो स्पेशल केसेस ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है यस yes. Did you understand Vibhavi? Okay. Now, CBDT is empowered to make rules. So, Nirmala Sita Raman cannot sit and do all this. So, implementation करते वक्त कुछ rules की जरूरत होगी. तो yes, ये rules बनाए जाएंगे. और ये rules कौन बनाएगा? CBDT, Central Board of Direct Taxes. Understand one thing always. If uh, I'll tell you, थोड़ा सा आगे, you know, जैसे act है और rules है. एक्ट है और नोटिफिकेशन है ये नोटिफिकेशन सर्कुलर कैन नॉट ओवर के ऊपर नहीं है दे दे आर अ पार्ट ऑफ द द एक्ट एक्ट हैव टू बी रेड विद अगर दोनों का मीनिंग अलग आ रहा है एक्ट पढ़ने से आपको अलग मीनिंग आ रहा है और नोटिफिकेशन पढ़ने से मीनिंग अलग आ रहा है तो यू शुड स्टिक टू द एक्ट यस नोटिफिकेशन में of course कभी कभी चेंजेस है जैसे एग्जाम डेट चेंज हो गया तो दैट चेंज इज ऑफकोर्स एप्लीकेबल सो नोट जैसे आपका भी ना द नोटिफिकेशन कम्स आईसीआई कम्स अप विथ दी एग्जाम डेट्स सो कोविड की वजह से कभी कभी एग्जाम डेट्स चेंज हो गए है ना सो इनकम टैक्स रूल्स कौन बनाता है सीबीडी टी दिस इज इंपॉर्टेंट हु मेक्स द रूल्स सीबीडीटी सो सीबीडी टी विल मेक इनकम टैक्स रूल्स दीज आर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दी एक्ट जैसे मैंने बोला बुक्स मिलेंगी बट बुक्स के लिए नो स्टाफ एंड वो बुक्स देने के लिए उनको कुछ रूल्स बनाने होंगे कि इस तरीके से देंगे रिसीट होनी चाहिए फोटोग्राफ रिसीट की कॉपी नहीं है तो नहीं चलेगा या रिसीट पे आपका फोटो होना जरूरी है जो भी वो नीचे उनके हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उनको जो रूल्स लगेंगे गुड इनफ दे मेक दो नॉट मेकिंग रूलेंगे तो बुक्स मिलेंगे ऑफिस हाँ, मिलेंगे. मिलेंगे, okay? बुक्स नहीं बना रहा ऑफिस लॉ नहीं बना रहा ऑफिस आपको सिर्फ बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है जो लॉ बना हुआ है उसमें वो हेल्प कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन में समझ में आ रहा है आपको आगे सर्क्युलस और नोटिफिकेशन हाँ बस और केस लॉस अभी जस्ट मैंने आपको बताया तो ये एक और थ्योरी पार्ट हमारा हो गया अब सर्क्यूलर और नोटिफिकेशन सर्क्यूलर्स आर इश्यूड बाय सीबीडीटी टी नोटिफिकेशन दोनों कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकता है या सीबीडीटी भी कर सकता है सीबीडीटी और सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इशू नोटिफिकेशन सर्क्यूलर्स आर इशूड बाय सीबीडीटी तो मैम ये डिफरेंस क्या है नोटिफिकेशन और सर्क्यूलर में नाउ लिसन नोटिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हम सबके लिए नॉल आई टेल यू इफ आई सी आई वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट टू ऑल ऑफ यू वॉट विल इट डू क्या वो हर एक को पर्सनली आके मैसेज भेजेगा क्या पर्सनली आपको कॉल करेगा क्या इज इट पॉसिबल फॉर देम नो वो क्या करेंगे अपनी वेबसाइट पे क्या कर देंगे नोटिफिकेशन इशू कर देंगे आजकल तो इट्स वेरी इजी ट्विटर है ऑफ़ सोशल मीडिया इज़ यू जस्ट पुट अप एंड इट्स एवरीबडी कम्स टू नो सो दे विल नॉट कम एंड कॉल यू पर्सनली कि सुनो एग्जाम की डेट चेंज हो गई है डू यू अंडरस्टैंड दे विल नॉट डू दैट दे विल इशू अ नोटिफिकेशन सो आई क्या इशू करेगा नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन हम सबके लिए हाँ, अब आईसीआई ने ऑब्जर्व किया बीच में आपको पता है एग्जाम पेपर चेकिंग के बारे में बहुत हल्ला गुला हुआ था पेपर्स चेक नहीं हो रहे अच्छे से वगैरह वगैरह ऐसा हुआ था तो आईसीआई बोलते हैं कि नहीं नहीं लेट अस हैव अ वर्ड विद स्टाफ लेट अस टॉक टू आर एग्जामिनर्स चेकर्स तो दे इशू अ अलर ये सर्क्यूलर इज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन सर्क्यूलर आईसीआई और एग्जामिनर वो चेकर के बीच में आईसीआई और स्टाफ के बीच में ओके सर्क्युलर इज बिटवीन इंटरनल ऑर्गनायझेशन तर वैसाही सी इनकम टॅक्स ऍक्ट इज ॲप्लिकेबल टू होल ऑफ इंडिया कहाँ होता है होल ऑफ इंडिया तो इम्प्लीमेंटेशन भी सेम होना चाहिए ना होल ऑफ इंडिया में एक ऑफिसर दिल्ली में बैठा है वो अलग तरीके से काम कर रहा है एक ऑफिसर महाराष्ट्र में बैठा है वो अलग तरीके से काम कर रहा है कोई बैंगलोर में वो अलग तरीके से काम कर रहा है चलेगा क्या नहीं एक्ट तो सेम है कि नहीं यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए कि नहीं तो अगर ऐसा पता चला कि कुछ चीजों में क्लैरिफिकेशन चाहिए इसका काम कैसा करना चाहिए तो इनकम टैक्स का जो सीबीडीटी है इट विल इशू अ सर्कुलर कि अपने डिपार्टमेंट को सर्कुलर इशू करेगा ऑफिसर्स इस तरीके से काम करना है ऑफिसर्स दिस इज हाउ रिटर्न शुड बी चेक दिस इज हाउ वेरिफिकेशन शुड बी डन तो ये किसके लिए इंस्ट्रक्शन है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफिसर्स के लिए और ये होना भी जरूरी है क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया सर्कुलर्स हमारे लिए नहीं है टैक्स पेयर के लिए नहीं है सर्कुलर्स आर बाइंडिंग ऑन दी ऑफिसर्स हाँ अगर स्टाफ कॉन्स्टेंटली वर्क फ्रॉम होम कर रहा है और अभी ऑफिस स्टार्ट हो गया तो वो टाइम पे पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो सर्कुलर इशू कर दिया यू हैव टू बी इन ऑफिस बाय टेन ओ क्लॉक एंड इफ यू आर नॉट इन ऑफिस ऑन बाय टेन फॉर टेन डेज कंटिन्यूसली यू विल बी आज टू लीव और सस्पेंडेड So, is a circular binding on you? Yes. But is a circular binding on a taxpayer? No. No. But is notification for assessor and taxpayer? Yes. yes. Notification is to notify some change. कभी कभी कोविड में हमने रिटर्न की डेट भरने की ड्यू डेट होती है वो एक्सटेंड कर दी आपकी एग्जाम फॉर्म भरने की डेट होती है कभी कभी फॉर्म रजिस्ट्रेशन की साइट काम नहीं कर रही थी तो कैन इशू इश्यू नोटिफिकेशन एंड एक्सटेंड द डेट यस सो एनी चेंज हैजू बी कम्युनिकेटेड इट इज डन बाय अ नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन इज फॉर ऑल स्टूडेंट सर्क्युलर इज ओनली फॉर द स्टाफ सो वैसे ही नोटिफिकेशन इज फॉर ऑल टैक्स पेयर्स बट सर्क्युलर इज ओनली फॉर द ऑफिस ऑफिस स्टाफ

इनकम टैक्स के ऑफिसर को क्या बोलते हैं एओ एओ मतलब असेसिंग ऑफिसर एओ मतलब असेसिंग ऑफिसर आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस नाउ नोटिफिकेशन आर इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव इफेक्ट ऑफ प्रोविजन सीबीडीटी इज़ आल्सो एम्पावर्ड टू मेक और अमेंड द रूल्स सो नोटिफिकेशन सबके लिए सर्क्यूलर आर फॉर इंटरनल पर्पज डिड यू अंडरस्टैंड दिस पक्का यस केस लॉस केस लॉज इज फॉर डिस्प्यूट बिटवीन असेसीज एंड डिपार्टमेंट दीज आर नोन एज केस लॉज द लॉ लेड डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट इज द लॉ ऑफ द लैंड मेड बाय हाई कोर्ट अप्लाई ओनली टू द स्पेसिफिक स्टेट ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया तो ये सब कवर करोगे तब जाके इनकम टैक्स खत्म होगा वैसे ही आई सी आई का मॉड्यूल फिर उनके स्टैच्यूटरी अपडेट्स अमेंडमेंट आर टी पीज एम टी पीज ये सब करोगे तो सिलेबस हो जाएगा बट ये सब की जगह पे सब कहाँ कवर्ड है हमारे रामबाण में कवर्ड है डू यू अंडरस्टैंड अच्छा मैम कुछ भी अमेंडमेंट आते रहते हैं बाद में तो हम अमेंडमेंट का लेक्चर लेते हैं क्या हाँ क्यों कौन से अमेंडमेंट अभी मैम एक्ट एक बार आता रहे नोटिफिकेशन बीच बीच में आते रहते ना नोटिफिकेशन से एकदम छोटे छोटे चेंजेस होते कोई बड़ा बात नहीं है उसमें कोई पूरा चेंज हो गया ऐसा कुछ नहीं नोटिफिकेशंस कीप ऑन कमिंग ऑल नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर इशू सिक्स मंथस बिफोर द एग्जाम आर एप्लीकेबल टू यू कभी सिक्स मंथ बिफोर तो सारे नोटिफिकेशन जो इशू होते आईसीआई उसका स्टैचुटरी अपडेट प्रिंट करती है जैसे स्टैचुटरी अपडेट आता है लेक्चर ऑन यूट्यूब ये जो अपडेट या अमेंडमेंट होते हैं ये कितने घंटे का लेक्चर होता है एक या दो तो घंटे का लेक्चर होता है कोई ज्यादा अमेंडमेंट है क्या नहीं कोई डरना है क्या अपने को नहीं सो डिड यू अंडरस्टैंड दिस एवरीबडी इज इट क्लियर यस सो दिस वॉज कि इनकम टैक्स के बारे में पढ़ना है तो कहाँ पढ़ना है ये देखो ये एक्ट के बारे में इनकम टैक्स एक्ट कितने सेक्शन है 298 सेक्शन के नीचे सब सेक्शन हाँ देन क्लॉज सब क्लॉज देर आर फोर्टीन शेड्यूल्स एंड देर कैन ऑल्सो बी एनेक्शर्स एंड देर कैन ऑल्सो बी एनेक्श इधर आर प्रोवाइज का मतलब होता है एक्सेप्शन और एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है क्लारीफिकेशन इज दैट दलियर ओके नाउ नाउ समथिंग इंटरेस्टिंग ओके नाउ लिसन एंटायर टैक्स इज ओनली इंटरेस्टिंग इट इज फन एंड बिलीव मी एक इंट्रोडक्शन चैप्टर होने दो फिर यू विल एक्चुअली बी डूइंग टैक्स कैलकुलेशन बिजनेस इनकम सैलरी ये सब हम अभी सीखने वाले ठीक है अब हम इनकम इस शब्द पे आए थे कि इनकम टैक्स इज टैक्स ऑन इनकम ओके okay. अब मुझे आप लोग एक चीज बताओ कि तुमको अगर इनकम अर्न करने का रहेगा अच्छा वैभवी को तुम बताओ कौन सा फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है तुम लोगों को फाइनेंस एक्ट ट्वेंटी टू करेक्ट नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हियर लेटेस्ट फोकस ऑन द वर्ड इनकम इफ यू गाइज डिसाइड कि बस अभी पढ़ाई हो गई सी ए कोर्स हो गया ना uh, आप या कोई भी इन जनरल जो सी ए हो नॉन सी ए हो आप कैसे डिसाइड क्या अर्निंग के क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं आप कैसे इनकम कमा सकते हो वॉट कैन यू डू यू टेल मी मैं एक एक करके लिखती हूँ ठीक है क्या करोगे तो आइर आप जॉब करोगे तो आपको क्या मिलेगा सैलरी दूसरा प्रॉफिट कहां से So, आप बिजनेस कर सकते हो ठीक है energy. किसी ने रेंट बोला फीस किसकी फीस सो यू कैन गेट फीस दैट मींस यू कैन गेट वैभवी तू ही सवाल पूछ रही है तू ही जवाब दे रही है मैंने उसको बोला कौन सा एक्ट उसने ही पूछा कौन सा एक्ट एप्लीकेबल है तो मैंने बोला कौन सा एक्ट तो वो ही बोल रही है मैम <laughs> देखो समझा ना कौन सा एक्ट एप्लीकेबल है अपने को फीस कौन सी है प्रोफेशन अच्छा या सो प्रैक्टिस कर सकते हो एज ए सी ए आप एडवोकेट जो करता है वो प्रैक्टिसिंग है तो दैट्स अ प्रोफेशन राइट आप शेयर से क्या करोगे Interest. अच्छा शेयर्स लोगे तो आपको डिविडेंड मिलेगा ओके okay. प्रॉपर्टी का सेल करोगे प्रॉपर्टी सेल किडनी बेचने का है? <laughs> क्यों यार बेटा <laughs> क्या नाम क्या है तेरा अथर्व, अथर्व। क्यों क्या हो गया तू तो किडनी बेचने पे क्यों आ गया इतना हाँ ईजीएस्ट वे टू अर्न ओके देर इज कमीशन देन टीचिंग आ गया ना अभी बिजनेस में तुम कुछ भी कर सकते हो ना कोई बोलेगा ट्रेडिंग करेंगे कोई ये बोलेगा सो टीचिंग कम्स एंड बिजनेस ओनली सो इट्स कवर्ड बिजनेस प्रोफेशन में अलग अलग बिजनेस प्रोफेशन कर सकते हो है ना यस yes, कमीशन अच्छा किडनी बेचना लीगल है कि इलीगल है नाम क्या बेटा तेरा जेस्टेड बाय डिस्क्लेमर ये मेरा सजेशन नहीं है सजेस्टेड बाय आर फ्रेंड क्या नाम है तेरा हाईलाइट करते हो उसको थोड़ा <laughs> सेल ऑफ किडनी इज इट इीगल मैंने लिखा इसलिए क्योंकि मुझे एक चीज आपको बतानी है कि इनकम लीगल भी हो सकता है इनकम इलीगल भी हो सकता है और कल या पर्सन कल ही मैंने आप, आज अपना सेकेंड ही लेक्चर है क्या yes. मुझे ऐसे लग रहा है मैं बहुत दिनों से आपको टैक्स पढ़ा रही हूँ अच्छा तो ये जो इनकम है इलीगल जैसे रेड हुई वो इलीगल इनकम ही था ना टैक्स पे किया क्या अरे करने को लगाएंगे ना अपन हाँ तो इलीगल इनकम पे भी टैक्स लगेगा, लगेगा। अब कब से ये बेटिंग क्या बोल रही है एक किधर जा रही है तू बैटिंग करने को हाँ रुकना मैं सब बोलती हूं मैं गोवा को भी कवर करती हूँ रुको बैटिंग और हाँ ये आ गया केबीसी अच्छा हाँ? लॉटरी पोकर, पोकर फ्लैश और क्या खेलने का तुमको <laughs> ये बढ़िया ये कैसी बैच है देखो सेल ऑफ किडनी फिर तीन पत्ती अरे तुम सीए पोस्ट करने को आए कि क्या करने को आए अथर्व <laughs> ने शायद डिसाइड कर लिया है कि तेरा घंटे क्लास में बैठने से अच्छा है मैं किडनी बेची <laughs> अब मुझे ये सब फैकल्टीज को बोलना पड़ेगा कि हमने इतना अत्याचार कर दिया एक ही दिन में कि ये बच्चा बेचारा अपना किडनी बेचने को जा रहा है मत कर ऐसा यार तू मत कर ऐसा हाँ ठीक है अब सुनो नाउ इफ यू विन इन केबीसी यू विन इन सम गेम शोज

Done. So that's it. Yeah, na? So of course uh, you illegal income is also taxable. Of course, it's taxable. Row beta Bonus is a part of salary only, now So bonus is a part of salary only. Now, illegal income is definitely taxable. Now let's come to betting gambling and lottery. Uh, gambling is not legal in Maharashtra, not legal in Gujarat. In some states they don't allow, but now um, but casinos in Goa.

तो so, पानी में अभी सबसे अप्रोचेबल है और मैनेजेबल है अफोर्डेबल है तो इसलिए सारे क्रूज पे जो है वो कसिनोज है सो पीपल एक्चुअली फ्रॉम बॉम्बे द फ्लाइट दैट गो टू गोवा आफ्टर एवरी हाफ एन आवर वन आर अ फ्लाइट फ्रॉम बॉम्बे टू गोवा एंड पीपल एब्सलूटली फॉर द वीकेंड जस्ट गो देयर गो देअ गो एंड प्ले

Very few games are allowed over there. Now, all of this gambling, betting, lottery, everything is taxable, and in fact, the government has 30% tax rate. How much? 30%. And all this is taxable under a head. I, I'm coming to that now. So, of course, this is taxable. This is very much taxable. Yes, now somebody has said agree income. Yes, i like that. Gift also, yes. Gift and a case, gift donation. ए बस अभी तुम उसके गिफ्ट के प्रकार मत करो बर्थडे गिफ्ट शादी का गिफ्ट दहेज का गिफ्ट सो गिफ्ट डोनेशन ये सब सब कुछ टैक्सेबल होता है सब कुछ क्या है टैक्सेबल होता है इट इज ऑल्सो चिट फंड इज नॉट वॉट यू आर गिविंग इज कमिंग बैक वॉट इज चिट फंड बोलना क्या है चिट फंड अरे तू घबरा में नहीं मैं अच्छे से पूछ रही हूँ चिट फंड क्या है तुमको पता है व्हाट इज देयर चिट फंड क्या होता है सब मिलके अपन डिसाइड करेंगे कि अपन क्या करेंगे अथर्व के लिए चिट फंड खोलेंगे वो किडनी नहीं बेचने वाला है तो अपन सब मिलके अथर्व के लिए कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं सौ सौ रुपया कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे क्या ज्यादा करेंगे वो बोलेगा जाने तो मैं किडनी बेचता हूँ <laughs> हमने चिट फंड बनाया तो चिट फंड बनाया तो विल पुट इन सम मनी टुगेदर तो वन मंथ यू विल टेक दैट किटी सो व्हाट दे विल डू कंट्रीब्यूट वन लाख देर आर टेन बिजनेसमैन तो एक एक लाख हर एक जन कंट्रीब्यूट करे तो महीने का कितना कलेक्ट होगा दस लाख तो यार तू ले तेरे बिजनेस में यूज कर अगले महीने फिर से तो इज इजर एनी इनकम आई एम नॉट अर्निंग एनीथिंग आउट ऑफ दैट बट कभी कभी इस चिट फंड में क्या होता है पता है क्या अगर गुरु मूवी देखा रहेगा उस महीने वो चिट फंड कौन पिकअप करेगा उठाएगा कौन किसका नंबर होता है? कि पे लाख का मनी आई इन नीड ऑफ मनी मुझे बाहर से इंटरेस्ट बहुत ज्यादा पड़ रहा है नहीं मिल रहा है लोन क्योंकि मेरे पास सिक्योरिटी नहीं है मुझे बिजनेस के लिए देने का है बिजनेस के लिए देने का आई एम रेडी टू पे इंटरेस्ट आज मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है उसको कंप्लीट करने के लिए मुझे पैसे चाहिए कभी कभी चिट फंड कैसे होता है कि नंबर जिसका लगेगा वो ले लेगा कभी कभी बहुत लोग है कि मुझे भी चाहिए तुझे भी चाहिए तो रूल्स होते हैं चलो फिर इसका ऑप्शन करेंगे तो हाइएस्ट जो बिड करेगा उसको तो उसमें खर्चा हो रहा है मतलब वो हम पैसे यू हैव टू अंडरस्टैंड इनफ्लो आउटफ्लो व्हाट आई गेव इफ आई गेट दैट मनी बैक दैट्स प्रिंसिपल मैंने तुमको लोन दिया तुमने वापस दिया यार इसको इनकम बोलते क्या अभी मैं तो काट डालूंगी देखो यू है और पी एन एल अलग होता है बैंक में आया हर पैसा मेरा इनकम नहीं होता मेरे, मैंने पैसे लिए इनकम आया मैंने लोन लिया ये मेरी लाइबिलिटी है सो फंड इज वॉट मैंने लोन दिया वही वापस आ रहा है हाँ मुझे ज्यादा पैसे आ गए इंटरेस्ट दैट इज माई इनकम समझा क्या मैंने ज्यादा पैसे रीपे किए it is my expenditure. you have to understand debit credit. you have to understand everything is not everything that comes into your account is not income. there's a capital receipt. there's a capital expenditure. i'm going to come to that also. that part of theory is there in my lecture here. Ok now coming to this command. betting, gambling, lottery, yes, taxable hota. yes, will this be taxable? yes. yes. government will say there is a lottery 30% tax. Humko de de. ये तो केबीसी में जीत गया थर्टी परसेंट टैक्स हमको चाहिए सब जो टैक्स का रेट अलग है इसपे कितना है थर्टी परसेंट तो थर्टी परसेंट टैक्स है विथ सेक्शन सब कल बताऊंगी सेक्शन भी है इसका एक अलग सेक्शन नंबर सब सब मैं कल बताऊंगी आपको बट बेसिकली बोलने का मुद्दा यह है कि क्या ये सब टैक्सेबल है ऑल दिस टैक्सेबल कैन आई हॉर्स एंड बेट विल आई गेट बेटिंग गैमलिंग लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल गेम शोज ऑल ऑफ दिस इज टैक्सेबल करेक्ट नो इट्स नॉट ये स्कैम है एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया इज टैक्स फ्री नो ये आधा सच है ये स्कैम है इनडिरेक्टली वी कलेक्ट जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास ये टैक्स जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास ना वेट ना होल्ड ऑन फॉर अ फ्यू मिनट्स डोंट आस्क एनी क्वेश्चन जस्ट होल्ड ऑन नाउ लिसन बेटा ये जो सैलरी है गवर्नमेंट ने यह एक चीज समझी कि आर इनकम टैक्स इज टैक्स ऑन इनकम चलो इनकम टैक्स इज टैक्स ऑन इनकम बराबर या तो अपने को फोकस किस पे करने का है इनकम तो बोलते यार तू कमा ले यार तेरे को जैसे कमाना है कमाना है बेटिंग से कमाना है कमा किडनी बेच के कमाना है कमा सैलरी करके कमाना है कमा बिजनेस करना है टीचिंग करना है एजेंसी बनना है कमीशन इनकम करना है प्रॉपर्टी बेचनी है शेयर्स बेचना है डिविडेंड बैंक में एफ किसी ने बोला नहीं पेंशन किसी ने बोला नहीं है ना आई कैन ऑल्सो अर्न इंटरेस्ट इनकम क्रिप्टो फिर और नहीं तो क्या अभी उसके प्रकार मत स्टार्ट करो हाँ वो गिफ्ट में स्टार्ट हो गया दहेज स्टार्ट हो गया अभी मैं वो नहीं लिखने वाली है, सब कुछ इधर हम्म अब इंटरेस्ट लिखना है अब सुनना हाँ समाइम्स ये एग्जाम है ऐसा बोलने का एग्री इनकम इज एग्जाम इंडिया ऐसा बोलने का ऐसा सेक्शन भी है लेकिन ये स्कैम है एक ही सेक्शन नहीं होता तुमको पता चल गया आज हाँ एक ही चीज के लिए तुमको बोला है क्या फोर्टी मार्क्स लेके आया तो पास हो गया और एक रूल है ना हाँ तो एक से ज्यादा दो दो रूल्स होते बेटा ठीक है अभी के लिए आज के लिए एग्री इनकम इज एग्जाम फ्रॉम टैक्स आज के लिए एग्री इनकम इज एग्जाम फ्रॉम टैक्स ओके अब सुनना मैं क्या कर रही हूँ मैं आपके सिलेबस और थोड़ा सब्जेक्ट की मुंह दिखाई कर रही हूँ अभी आप सुन के लेना बेटा ये जो इनकम होता है इनकम टैक्स बोलता है तुमको जो सोर्स से कमाना है कमाने कम, इनकम तुम कमा लो हम इसको पांच हेड्स में डिवाइड करेंगे कितने हेड्स में फाइव हेड्स सो इन इनकम टैक्स वी हैव हाउ मेनी फाइव अरे स्टाइलस फाइव हेड्स ऑफ इनकम लेंडिंग मनी से बेटा तो क्या इनकम कमाएगी आज था इंटरेस्ट तो आ गया ना बेटा इंटरेस्ट इनकम लिख दिया ना हाँ सो लिस्टन देरा फाइव हेड्स ऑफ इनकम गवर्नमेंट बोलते तुमको जैसा करने का तुम करो हम कितने हेड्स ऑफ इनकम बनाएंगे पांच सैलरी इनकम इज कॉल्ड एज इनकम फ्रॉम सैलरी बिजनेस के लिए प्रोफेशन के लिए देश पी जी बी पी पब नहीं क्या पी जी बी पी प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन अयो क्या फुल फॉर्म है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन PGBP profits and gains of business and profession मतलब बिजनेस एंड प्रोफेशन मतलब business करो profession करो कौन से head में जाएगा पी जी बी पी अच्छा मैम ये अलग अलग head of income करके करने के वाले क्या है ये अरे rules आएंगे अलग अलग sections आएंगे provisions आएंगे voice तो सीखने का अपने को सैलरी इनकम पीजीबीपी, तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है रेंट पे दिया इसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या इनकम फ्रॉम एचपी, एचपी लिखो, व्हाट इज एचपी? पी आइयो वॉट इज पीजीबीपी प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस वॉट इज पीजीबीपी? प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन बराबर बिजनेस एंड प्रोफेशन का प्रॉफिट और गेन ये जाएगा पीजीबीपी में शेयर्स का डिविडेंड जाता है आईओएस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस लास्ट ये मेन हेड्स ना चार है देर इज कैपिटल गेन्स सैलरी ये चार है मेन बचा हुआ सब किधर जाता है आईओ में बचा हुआ किधर जाएगा आईओ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस जो भी इनकम पहले चार हेड्स में फिट नहीं होएगा वो किधर जाएगा आईओ में इलीगल इनकम आईओ इंटरेस्ट इनकम आईओ डिविडेंड इनकम आईओ आप बिजनेस कर रहे हैं बिजनेस में जाएगा मैम मैंने ऐसा बिजनेस करके नहीं एक ही दोस्त को हेल्प किया एक ट्रांजेक्शन में उसने खुश होकर मुझे कमीशन दे दिया आईओ तो में डाल दो वैसे कोई अगर आई तो भी आई। हाँ डाल सकते ना नई इनकम आई और वो बिजनेस से रिलेटेड है तो पीजीबीपी में भी जा सकता है है ना तो ऐसा जरूर नहीं आई डू एजेंसी बिजनेस एज अ रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी आई एम एजेंट आई रेगुलरली अर्न कमीशन देन पुट कमीशन इन पीजीबीपी अभी वही तो सिखाना है मैम कौन सा इनकम किधर जाएगा यही सिलेबस है आई हैव चैप्टर्स माई नेक्स्ट चैप्टर्स आर गोइंग टू बी फाइव हेड्स ऑफ इनकम पी जी बी पी विल ऑलमोस्ट एक टेन और ट्वेल्व लेक्चर्स लाइक दिस टू एक्सप्लेन यू बिज़नेस इनकम कैसे कैल्कुलेट करता है सैलरी विल टेक एट टू नाइन लेक्चर्स एच पी विल टेक एट टू नाइन लेक्चर्स कैपिटल गेन्स विल टेक टेन टू ट्वेल्ल लेक्चर्स हर एक को इतना मैं डिटेल में जाने वाली हूँ अब मुझे मत पूछना मैम ऐसा किया तो बिजनेस इनकम में तीन घंटे में नहीं बोल पाऊँगी आई नीड ट्वेल्व लेक्चर्स टू एक्सप्लेन पी जी बी पी आई नीड एट टू टेन लेक्चर्स टू एक्सप्लेन सैलरी

रखा ही नहीं है फाइनल में कर दिया मैंने मॉड्यूल आने से पहले मेरे रामबाण में डाल दिया था क्रिप्टो सब जगह क्रिप्टो वी डी ए द वर्चुअल डिजिटल एसेट है ना तो आई पुट इट दैट इन द नोट्स एंड देन मॉड्यूल आने के बाद उन्होंने बोला ये फाइनल में करना है तो मैंने भी Cut. काट डाला एक हाथ चैप्टर में मैंने रखा है आईओ में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसलिए वहां पे रखा है मैंने देर आल डिस्कस ओके ना कमीशन यू कैन पुट इट अंडर आइर पी जी बीपी और इट कैन गो अंडर आई समबड़ी इज डूंग इट एज ए रेग्युलर बिजनेस इनकम ऐसे एचपी का फुल फॉर्म है हाउस प्रॉपर्टी एचपी का फुल फॉर्म है बेटा हाउस प्रॉपर्टी फुल फॉर्म से याद आया एक मिनट किसी ने मुझे आई जी एस टी का फुल फॉर्म मैंने बताना भूल गई तभी बोलने का नार हाँ इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सेंट्रल जीएसटी होता है स्टेट जीएसटी होता है वैसा इंटीग्रेटेड जीएसटी भी होता है ओके okay. आगे 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 किधर है ऑगे 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 कि बेटिंग गैम्बलिंग एंड लॉटरी दिस विल गो अंडर आईओ एस केबीसी अंडर आईओ एस इंटरेस्ट अंडर आईओ एस सेल ऑफ किडनी आईओएस टीचिंग इज पी जी बी पी करेक्ट सो वॉट आर द हेड्स ऑफ इनकम एक मिनट सीक्वेंस मैंने सही तरीके से नहीं लिखा है पहला हेड ऑफ़ इनकम होता है सैलरी एक मिनट पहला हेड ऑफ़ इनकम है सैलरी उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी फिर आता है पीजीबीपी फिर कैपिटल गेंस और फिर फाइव मैम ये कौन डिसाइड करेगा पहला दूसरा अरे सेक्शन नंबर के सीक्वेंस में और कुछ नहीं क्या फ़र्क पड़ता है ये पहला है या दूसरा है सब कुछ टोटल होके टोटल इनकम में आता है Do you understand? Yes. So, write down this uh, sources of income. Isko kya heading? Doge sources of income. Yes. Not necessary, but teaching somebody may be employed, somebody may be retainership, partnership. So, it is not like Then it will go in PGPP. एग्रीकल्चर एग्जम्ट होता है एग्जाम माने उस पर टैक्स नहीं लगता तो कहीं पे भी ऐड नहीं होता है वो जो इनकम एग्जाम होता है ना उस पर टैक्स नहीं देना तो उसको ऐड ही मत करो जब वो आएगा एक्सेप्शन तो बता दूंगी आज के लिए एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जम फ्रॉम टैक्स सैलरी इनकम फ्रॉम सैलरी हा हा सीक्वेंस में बोलती हूँ पहले ऐसा लिख के लो अलग अलग टाइप्स ऑफ इनकम और वो कौन से हेड में जाएंगे ऐसा लिखो फिर हम पांच हेड्स प्रॉपर सीक्वेंस में मैं लिखाऊंगी ना स्पोर्ट्स इनकम कैन कम अंडर पीजीबीपी यस प्लेयर्स का स्पोर्ट्स इनकम विल कम अंडर पीजीबीपी कौन सा इनकम कहां जाएगा हर हेड जब सीखोगे तो तब पता चलेगा आज पूरा डिटेल में नहीं पता चलेगा तुमको कितना टाइम लगने वाला ये लिखने के लिए ये लोग नहीं है ना अमर। कोई मोबाइल पे गाना देना तो किसका तो गाना सुनते सुनते लिखोगे क्या मैं कुछ नहीं लगाना है तुम्हारा मोबाइल लेके आओ इधर है उसको लगा देने का ज़्यादा झिंटंग झिंटंग गाने नहीं लगाने के अपने को लिखने का है हाँ डिस्को नहीं है लगाने का इधर समझा ना शांत वाला गाना लगाने का लेक्चर चल रहा है वो क्लास के बाद अपन सुनेंगे बाकी के गाने ऑरेंज कलर का कॉड है क्या ग्रीन है यहाँ पे हाँ ये ग्रीन वाला रुक 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 यहां से ले आईफोन के लिए नहीं है ना फोन का कवर निकाल के लगा तू मैं ना गाना सिलेक्शन में इतना टाइम लगा था तब तक लिख के हो जाएगा बच्चों का कोई क्लास में सिंगर्स भी है क्या सिंग, सिंग ए भगवान आई एस आई एन जी आर सिंगर आई डी नॉट मीन सिंगल एवरीबडी सिंगल ऑल एयर के के सिर्फ नहीं है सिंगल बाकी सब है <laughs> वो चमेली के साथ जाके आए ना डेट पे हम क्या करेंगे अभी <laughs> वो सिंगर भी है तू तू लगाना गाना आज की तारीख में <laughs> सिंगल <laughs> हाँ कवर हटाना बेटा यस yes, बेटा किधर है किधर है हाँ हाँ तू हाँ पेंशन मिल कमांड सैलरी पेंशन जनरली आपको आपका एम्प्लॉयर देता तो वो सैलरी में आएगा शेयर्स के जैसे जाएगा म्यूचुअल हाँ ये किधर गया अपना अमर क्यों नहीं हो रहा छोड़ो जाने दो कोई सिंगर singer... <laughs> आने वाला क्या तू गाना गाने को आई नो दैट आई नो दैट अरे अमर तक वर् गाना नहीं लगाते थे हाँ ये हाँ ये अभी नेक्स्ट टाइम राइटिंग दूंगी तब तो गाना लगाएंगे अभी अमर आने तक तो अपना लिख के भी हो जाएगा शुभ बहुत बाकी है <laughs> यस yes, यूट्यूब पे जो क्वेरीज है पी डी ऑफ़ डी यू कैन गिव द टेस्ट हम यहाँ पे क्लास में पांच टेस्ट लेते हैं आप भी दे सकते हो आपके ये भी क्वेरी सॉल्विंग होगी लाइव स्ट्रीमिंग की तो चैट पे होती है और पी स्टूडेंट्स के लिए मैं एक व्हाट्सएप नंबर देती हूँ जो मैंने कल मैंशन किया था आज भी दे देती हूँ कृतिका जस्ट वेट ना मैम पीएफ का क्या होगा बेटा ये सब डिटेल में उस चैप्टर में जाके पढ़ाऊंगी ना अभी पीएफ सैलरी से रिलेटेड होता है जस्ट होल्ड ऑन ये मोटा मोटी हमने देख लिया कि ऐसा होता है बहुत डिटेल में अभी तो चैप्टर पढ़ना है ना एक दिन में नहीं पढ़ा पढ़ सकते एनेक्श एनेक्श आर एडिशनल पार्ट चेतना एनेक्श आर एन एडिशनल पार्ट वेर समथिंग लाइक फीस अलग अलग इनकम टैक्स की गवर्नमेंट की फीस आर मैंशनड ओके

लाइफ का भी अलग ग्रुप होगा पीडीजीडी का भी मैं ग्रुप बनाती हूँ अलग से ओके अभी हो गया ना लिख के तुम्हारा हाँ चलो नहीं बाद में गाना सुन लेंगे अभी तो आगे तब तक तो विल प्रोसीड अभी ऑल डन विद दिस गिफ्ट एग्रीकल्चर क्रिप्टो इंटरेस्ट ऑल दिस ओके बेटा हाँ ठीक है मोटा मोटी बोला है अब मैं ये डिटेल में आपको फाइव हेड सिखाने वाली हूँ ठीक है अब सुनते कुछ एक और बात केबीसी का फुल फॉर्म बताओ रवि कुमार को तू जानबूझ के डाउट पूछ रहा क्या रवि? रहे नहीं चलते लगा के दे कभी देखो। किसका फोन है पासवर्ड बता नहीं चाहिए मेरे को मैं क्या करने वाला तेरे पासवर्ड का उधर जा तू उस गाना लगा के दे उसको हाँ पीडी स्टूडेंट्स का भी ग्रुप बनेगा

गया ना फिफ्टीन मिनट्स है ना यस yes. तो कैसे अपना टाइम निकल जाता है मुझे तो ऐसा लग रहा है अरे और अरे और क्या वंस मोर वंस मोर थ्री आर्स क्लास यू वांट नाउ ना अस अंडरस्टैंड अरे यार कॉपीराइट आ जाएगा यूट्यूब पे नहीं वो अगर मैंने यहां से प्ले ऑडियो के लिए नहीं आएगा आएगा, 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 आएगा। आ जाएगा मज्जा ठीक है जो भी है देख लेगी टेक्निकल टीम चलो ये कुछ डेटा ये जो क्वेरीज थी मैंने सॉल्व कर दी यहाँ पे जो भी थे व्हाट्सएप नंबर ये जो मेरे ऑफिस का नंबर है सेवन डबल एट सेवन एट सेवन फाइव जीरो सेवन फाइव यू आर नॉट गोइंग टू सेंड मी क्वेरीज ऑन दैट पहले जब लास्ट बैच में ऐसा था लाइव स्ट्रीमिंग है कोई बच्चा क्वेरी भेज रहा है हम लोग कि, ये किसकी क्वेरी है बोलता है मैम ये मेरी क्वेरी है क्लास में बैठ के यहाँ पे चैटिंग पे क्वेरी भेज रहा था सो यू डोंट डू दैट ओके So, you don't do that. You are going to talk to me here directly one on one. I'm meeting you every day here. I'm waiting here after the class. This number or this query is only to be shared with whom? Used for my live streaming and PD, GD students. Do you understand that? Yes. Okay. हमको सिलबस तो बता दो कब से लेक्चर चल रहा है syllabus तो बता दो, हमको थोड़ा सिलेबस बता देती में एक ग्रुप है ओके हाँ लुक एट द मॉड्यूल्स एट यूल गेट फ्रॉम आई सी एंड एंड यू विल अंडरस्टैंड ठीक है अब देखो बेटा यहाँ पे फाइव हेड्स ऑफ इनकम होते कितने फाइव हेड्स ऑफ इनकम पहला हेड ऑफ इनकम क्या है संस्कार में बुक्स नहीं दिखाऊंगी यार बुक से ही पढ़ेंगे ना अपन अभी नहीं दिखाऊंगी अभी नाम बोल देना अभी बुक से पढ़ने वाले अपन ठीक है ना हाँ सुन पहला इनकम फ्रॉम सैलरी जो भी आपका अमाउंट होगा यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे क्रॉस एक्स एक्स ऐसे लिखूंगी अच्छा जरूरी नहीं है कि हर पर्सन पांचों हेड से कमाता हो जैसे चमेली है <laughs> चमेली इज अर्निंग सैलरी ऑलरेडी शी इज इन इन्फोसिस क्या तू उसको पांच सौ रुपए का पिज्जा खिलाने लेके गया नाउ शी इज ऑलरेडी इन इन्फोसिस एंड शी इज गेटिंग सैलरी सो इट्स नॉट नेसेसरी ना जरूरी नहीं है उसने उस साल में कोई असेट बेचा होगा तो ऐसा हो सकता है कि उसको कैपिटल गेन्स ना हो Family can have only salary and iOS any permutation combination you may have all five. you may not have all five you may just have one head of income or some other head of income hai. okay so you are going to start writing with me yeah so let's write down. don't give any heading right now. don't write five heads of income. टैक्स कैलकुलेशन लिखो मचमच नहीं करने का काटो वहां पे काट डालो और फिर से लिखो मेरे क्लास में मचमच -मच किया तो देखो दस बार लिख के दस बार काटने को लगाऊंगी समझा ना हाँ <laughs> चलो इनकम फ्रॉम सैलरी हाँ तो लिखती हूँ रुको टैक्स <laughs> कैलकुलेशन लिखा क्या टैक्स कैलकुलेशन रेडी नाउ फोकस कमान इनकम फ्रॉम सैलरी बेटा क्रॉस मार्क कर देंगे उसको दैट एक्स एक्स बाय द वे इंडिकेट्स अमाउंट इफ एनी ओके ऐसे क्वेरीज आती है इसलिए मैं पहले से बता रही हूं इनकम फ्रॉम सैलरी के बाद नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी उसके बाद अब शॉर्ट फॉर्म लिखूं इसका फुल फॉर्म क्या है ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन प्रोफेशन यस मतलब या ऑफ कोर्स यू कैन हैव मल्टीपल आल्सो नो प्रॉब्लम पीजीबीपी के बाद देर इज कैपिटल गेन्स iOS is income from other sources. Now you can just stop writing here till here. Come up to this point and wait. इसके आगे का पार्ट मैं लिख के बताती हूँ आपको ठीक है आज हमने काफी कुछ कवर किया आज काफी कुछ सीखा ये इतना लिख के देती हूँ फिर एक recap भी करा दूंगी ठीक है ओके इनकम फ्रॉम सैलरी Income from house property, PGBP, capital gains, and then there is iOS. Okay? यस yes, रफली हमने देखा चमेली अगर सैलरी अर्न करी इट गो इन द सैलरी यू हैविंग अ प्रॉपर्टी यू गिवन इट ऑन रेंट इट विल गो अंडर हाउस प्रॉपर्टी यू आर डूइंग बिजनेस यू आर डूइंग प्रोफेशन इट विल गो अंडर पीजीबीपी इफ देर इज कैपिटल गेन्स लाइक आई सेल सम असेट प्रॉपर्टी बेची शेयर्स बेचे तो वो कहाँ जाएगा कैपिटल गेन्स अच्छा एंड आई एस इज इनकम फ्राम अदर सोर्सेज लेट मी आस्क यू वन थिंग वॉट हैपन्स इफ आई मेक अ लॉस मैंने बिजनेस किया लॉस हो गया डू वी कंसिडर इट यस इनकम कैन बी पॉजिटिव इनकम कैन बी नेगेटिव इनकम कैन बी पॉजिटिव इनकम कैन बी नेगेटिव तो वो भी कंसिडर होता है जैसे अगर मेरा यू नो बिजनेस वन है एक बिजनेस ने मुझे पांच लाख का प्रॉफिट दिया और दूसरे बिजनेस से मुझे लॉस हुआ तीन लाख का तो इसको हम सेट ऑफ करते तुमको तो सेट ऑफ पता है आईसीआई भी सेट ऑफ अलाउ करती है yes, 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 नहीं पता yes, है। आपको पता? ग्रुप वन और ग्रुप टू का टोटल कितना आना चाहिए yes. अच्छा मैम एक में मुझे वन एट्टी मिले और यहाँ टू ट्वेंटी मिले pass. चलेगा हाँ पास ऑफ सेट कर सकते इसको सेट ऑफ कर सकते वैसा ही ये सेट ऑफ है

2 लाख इसको बोलते हैं सेट ऑफ इसको क्या बोलते हैं सेट ऑफ तो मैम ऐसा अच्छा मैम उल्टा हो गया 5 लाख का लॉस हो गया तो ये फिर बिजनेस ऐसा भी अभी कोई तो पूछेगा मेरे को पता है आई विल टेल यू आई विल टेल यू डोंट आस्क एनीथिंग ये हो जाएगा ऐसा कैसा ऐसा अच्छा मैम फिर इसके अगेंस्ट वो दूसरा सेट ऑफ होता है क्या अभी फुल स्टॉप ये चैप्टर है सेट ऑफ का कौन सा चैप्टर है सेट ऑफ सो वी हैव इन सिलेबस सेट ऑफ ऑफ वी अबसू लर्न रूल्स कि अगर लॉस होता है तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होती है बेटा मैं एक दिन में नहीं ये पूरी पिक्चर है पहले दस मिनट में पूरी पिक्चर समझ में नहीं आएगी समझ में आ रहा है क्या ये आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग यू टू द कैरेक्टर्स एंड द सिलेबस हियर सो प्लीज अंडरस्टैंड वेन वॉट एवर इज द टोटल ऑफ योर फाइव हेड्स ऑफ इनकम इट इज कॉल्ड एज ग्रॉस टोटल इनकम इसको बोलते हैं जीटीआई क्या बोलते हैं इसको ग्रॉस टोटल इनकम दैट इज जीटीआई हां शौमिक कभी कभी लॉस को आगे नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड भी करते हैं अपन मैम बट क्या ये दूसरे हेड के अगेंस्ट सेट ऑफ होगा राहुल तुमको इसके लिए सेट ऑफ चैप्टर का वेट करना पड़ेगा हाँ, उसके लिए रुकना पड़ेगा यार तेरे को यस yes. क्या ये दूसरे हेड के अगेंस्ट सेट ऑफ हो सकता है मैम टाइम ओवर तो हो गया कौन है रही है विच एवर इज लेटर ओके यस ऑन ग्रॉस टोटल इनकम इज जीटीआई लिखा क्या सबने <laughs> उसमें से ना कुछ तो माइनस करने का डिडक्शन अयो क्या लेस डिडक्शंस अंडर चैप्टर सिक्स अंडर चैप्टर सिक्स लेस करने के बाद जो आता है ना उसको बोलते हैं नेट टैक्सेबल इनकम एन टी आई बोलते इसको और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टोटल इनकम इसको क्या बोलते हैं टोटल इनकम मैम ये डिडक्शन क्या है रुक जाओ बताती कुछ बेनिफिट्स है कुछ बेनिफिट्स है, है. क्यों बेनिफिट है पता है ये जो एनटीआई है ना बेटा एनटीआई इस पे टैक्स पे करना रहता है वी डोंट कैलकुलेट टैक्स ऑन तुम्हारा जो भी इनकम है चमेली को बोलेगा टोटल निकालेंगे आई फिर तूने अगर कुछ एल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है पीपीएफ ऐसे कुछ सेविंग्स की है तो उसका डिडक्शन मिलता है और फिर एन आता है तो बेटा हमारा ये सिलेबस है चैप्टर सिक्स डिडक्शन का एक चैप्टर है इसका एक चैप्टर है ये फाइव हेड्स के मिला के फाइव चैप्टर्स है सेट ऑफ का एक चैप्टर है फिर एन पे हम कैलकुलेट करते हैं टैक्स तो टैक्स कैलकुलेशन हम सीखने वाले हैं सिर्फ टैक्स नहीं होता है गवर्नमेंट कभी सरचार्ज लगाती है कभी सेस uh, लगाती है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वो हम सीखने वाले हैं तो ये हमारा टैक्स का सिलेबस है मतलब इन शॉर्ट बाय द एंड ऑफ दिस टू एंड हाफ मंथ्स ऑफ इनकम टैक्स यू विल बी एबल टू कैलकुलेट अ पर्सन टैक्स लाइबिलिटी एज रिक्वायर्ड बाय द इनकम टैक्स एक्ट तुम जो भी इनकम अर्न करो तुमको फाइव हेड्स में सिखाऊंगी कब कौन सा इनकम कौन से हेड में आता है आई एम गोट टू टीच यू दैट देन आई एम गोट टू टीच यू वट इज जी टी आई आई टोल्ड यूज टोटल ऑफ ऑल योर इनकम उस जी टी आई से गवर्नमेंट ने कुछ बेनिफिट्स दे दिए गवर्नमेंट बोलते है, यार ले लो अपनी लाइफ को इंश्योर करा दो खुद की लाइफ का इंश्योरेंस ले लो अच्छी बात है तो चलो हम तुमको टैक्स बेनिफिट दे देंगे कैसे हम डिडक्शन देंगे देखो अगर तुम्हारा इनकम बारह लाख आ रहा है अगर तुमने पचास हज़ार प्रीमियम पे किया तो पचास हजार का हम डिडक्शन देंगे अब तुम्हारा इनकम होगा इलेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड यू विल हैव टू पे टैक्स ऑन इलेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड तो फ़ायदा हुआ ना तो मैम ऐसे तो मैं बहुत सारा पैसे पे करके अब तुम्हारा काम चलेगा दिमाग चलेगा मैम और यू डिडक्शन तुम्हें हो अच्छा मैं तो पूरा बारह लाख का दिखा दूंगा टैक्स जीरो अरे एक्ट नाइनटीन सिक्सटी वन में बनाए हैं तुम अभी दूसरा दिन है टैक्स पढ़ के वो डिडक्शन को लिमिट होता है जितना चाहिए उतना नहीं मिलता है ये कहाँ पढ़ाऊंगी डिडक्शन के चैप्टर में आज डिडक्शंस पढ़ा रही हूँ क्या नहीं डिडक्शन नाम का चैप्टर होता है वो बता रही हूँ फाइव हेड्स के चैप्टर है हाँ कौन से कौन से इनकम फ्रॉम सैलरी सीखेंगे पीजीबीपी हाउस प्रॉपर्टी कैपिटल गेन्स आईओएस एस हाँ अब तुमको चैप्टर्स के नाम पता चल गए उसके बाद डिडक्शंस डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स ए फिर टैक्स टैक्स में भी मत जा देर आर टू थ्री थिंग्स टैक्स चार्ज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कभी कभी अपने को एडवांस में देना पड़ता है कभी कोचिंग फीस पे करते हो, कभी कभी एडवांस देना पड़ता है कि नहीं एडवांस सो यू हैव टू पे योर टैक्सेस इन एडवांस कभी कभी गलती से गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स दे दिया तो गवर्नमेंट रिफंड देती है ये सब है अभी ये सीखना है ये सारा अपना टैक्स का सिलेबस है इनकम से स्टार्ट किया था मैंने इनकम टैक्स इज टैक्स ऑन इनकम यू ऑन इनकम इन एनी वेज दैट इनकम विल बी फाइव हेड्स ऑफ इनकम उसके रूल सीखेंगे उसकी प्रोविजन इस इनकम का टोटल लेने का किसी का इनकम 12 लाख आ गया उसने एल प्रीमियम वगैरह पे किया मैम कौन सी कौन सी चीजों पे डिडक्शन मिलता है वही तो सिखाना है ना उस चैप्टर में कितना मिलता है वो सिखाऊंगी किस चीज पे मिलेगा वो सिखाऊंगी कुछ बेनिफिट है ये समझा कि मैम डिडक्शन क्या है एक बेनिफिट है डिडक्शन माइनस करने का एनटीआई निकलेगा एनटीआई पे टैक्स निकलेगा आ मतलब आज तो हमने जीटीआई सीख लिया वॉट इज जीटीआई टोटल ऑफ फाइव हेड्स ऑफ इनकम वॉट इज जी टोटल ऑफ फाइव हेड्स ऑफ इनकम हाँ उस जी टी आई में से ना कुछ तो मैम ने बोला था क्या डिडक्शन हाँ हाँ डिडक्शन बराबर डिडक्शन डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स हाँ वो ना लेस होता है वो एक बेनिफिट है वो लेस होने के बाद क्या आता है एन टी आई उस एन टी आई पे टैक्स निकालते है इसलिए उसको टैक्सेबल इनकम बोलते हैं उस एन टी आई पे अभी टैक्स बारह लाख पे निकालेंगे कि इलेवन फिफ्टी पे इलेवन फिफ्टी पे तो इसलिए ये बताना था ये जनरल ओवरऑल आपको आइडिया देना था यहां तक आप लिख के लो सिर्फ एन और टैक्स तक आ जाओ टैक्स में अलग अलग प्रकार है इसके आगे का पार्ट में कल कंटिन्यू करूंगी कब कंटिन्यू करूंगी कल यहां तक लिख के लिया क्या लाइव स्ट्रीमिंग लिख के लिया क्या बेटा कौन कौन पैकिंग कर रहा है ओए, ओए, ओए। बैड मैनज बैड तू लास्ट में जाएगा क्लास के बाहर सबसे कोई भी पैकिंग नहीं करेगा पहले लिख के हो गया क्या yes. जब तक मैंने ओके थैंक यू डन आई सी यू टुमारो ओनली देन यू स्टार्ट पैकिंग एंड लीविंग इज दैट ओके यस ना चलो फटाफट मुझे बताओ आज से मैंने आज स्टार्टिंग में क्या वो आपको हाँ ये बताए थे पहले तीन एंट्रीज तीन लिस्ट बताई थी yes. देखो जरा याद आ रहा है क्या yes. पहले यूनियन लिस्ट yes. स्टेट लिस्ट

उसके बाद मैंने बोला कि ये तीन लिस्ट ये तो बता दी एंट्री नंबर एटी टू मैम ये एंट्री नंबर क्या है मतलब सीरियल नंबर नंबर आता है उधर एंट्री वर्ड इनकम टैक्स इज द वर्ड टैक्स एक्ट कैन ऑल्सो इंक्लूड ऑर्डिनेंस बिल बिकम्स एन एक्ट डू वी नो द प्रोसेस यस मैम 1961 का पुराना एक्ट पढ़ रहे क्या नहीं मैम ये हर साल अमेंड होता है इट इज अमेंडेड एवरी ईयर इज दैट क्लियर टू एवरीबडी पक्का ओके वेट नाउ क्या हो गया रहा अच्छा ठीक है बिल ऑर्डिनेंस ये सब हमारा लिख के हो गया टुडे वी अंडरस्टूड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दो बोर्ड्स है सीबीडीटी एंड सीबीआईसी करेक्ट देन वी हैव हाउ मेनी हेड्स ऑफ इनकम फाइव और ये टैक्स कैलकुलेशन का सिस्टम जो है मैं आपको कल अभी कंटिन्यू करके लिख के दे दूंगी इज दैट ओके यस सो आई विल सी यू टुमारो एनीबॉडी हैविंग एनी क्वेरीज पक्का लाइव स्ट्रीमिंग वाले तुमको कुछ क्वेरीज है क्या बेटा yes you can start packing your bags no problem live streaming do you have any queries no no you all can start packing your bags no problem no queries all right 78 undisclosed income yes yes same ek ek second aha. ऑल राइट सो लाइव स्ट्रीमिंग नो क्वेरीज राइट आई सी यू tomorrow. किसका फोन है लेके जा बाबा? क्या से के रखना। क्यों <laughs> 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 बोलूंगे ना मैं आर आंसर को